नमस्कार, जय सीएलसी। मैं समर चौधरी सीएलसी सीकर से, और आज मेरे साथ नीलेश जी पिलानिया हैं, जो सीएलसी का सीएचएस विंग और एनडी विंग कम्प्लीटली देखते हैं, पूरा अकेडमिक्स सर ही संभालते हैं। तो नीलेश जी, जैसे आपको पता है, इस संडे 8 सितंबर को मैथ्स ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज, जिसको आईक्यूएम के नाम से जाना जाता है, वो एग्जाम कंडक्ट कराई गई। एग्जाम का पैटर्न वही सेम, 30 सवाल आए, 100 नंबर का पेपर था, और क्लास 8 से लेकर 12th तक का बच्चा इस एग्जाम को देता है। सबका एक सेम पेपर होता है, पर क्लास 8 से लेकर 11th के बच्चों की कट ऑफ अलग होती है, 12th के बच्चों की कट ऑफ अलग होती है, और जो गर्ल्स में कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं उनकी कट ऑफ अलग होती है, जो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि इस बार का सर जो पेपर का टीचर्स का और बच्चों से जो फीडबैक रहा है, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से इस बार थोड़ा सा इजी रहा, थोड़ा आसान रहा है। इस बार ये है कि भाई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मेरिट थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, क्योंकि आईक्यूएम में सबको पता है कि इस बार इसमें जो मेरिट आती है वो स्टेट वाइज आती है, और तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी उससे ऊपर पूरे चांस है कि इस बार की कट ऑफ लास्ट ईयर से थोड़ी ज्यादा जाएगी। पूरी टीम सीएलसी मिलकर आपके लिए आईक्यूएम का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन लाई है। आप पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखें, आप अपने एनालिसिस करें हर सवाल का, और अपने मार्क्स जोड़ें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ कुलदीप राठौर, टीम मैथमेटिक्स सीएलसी सीकर। वी आर गोइंग टू डिस्कस आईक्यूएम 2024 क्वेश्चन पेपर। सो फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डज नॉट डिवाइड दिस प्रोडक्ट। बेसिकली दिस प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सो इट इज डिविजिबल बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑल्सो इट इज डिविजिबल बाई 10। After that, the number is 11. So, minimum number, smallest positive, that is 11, which can't divide. So, answer is 11. Now, next question is, the number of 4-digit number having digit 1, 2, 3, 4 each occurring exactly once. So, we have to make odd numbers. So, let's here it is only possibilities, that is 1 and 3. So we can fill this by 2 ways, this by 3 ways, this by 2, and this by 1. So answer is 1 into 2 into 3 into 2. So it is 12. Now the number obtained by taking the last 2 digit of 5 to the power 2024. Let's take some smaller powers of 5. It is 5 power 1, it is equals to 5. 5 power 2, that is equals to 25. 5 power 3, that is equals to 125. 5 power 4, that is equals to 625, and so on. We can see that last 2 digit, other than 5 power 1, we get 25, 25, 25, and next 25. So the last 2 digit of 5 power 2, 2025, or also is 25. And the next question, let ABCD be a quadrilateral with triangle, angle ADC equals to, so first of all, make a quadrilateral ABCD. A, B, C, and D. Angle ADC, ADC is 70, that is 70 degrees. ACD, it is also 70 degree. So we can clearly see this is 40 degree. Now angle ACB, it is 10 degree. ACB, it is 10 degree. Angle BAD, this angle is 110. So it is 110 minus 40, that is 70. Okay, so angle CAB is 70 degrees. So answer is 70 degrees. Now, question number 5. Given that A equals to this, B equals to, and C. And we have to calculate the value. So it is value. Value of AB minus C. So first, we have to see that C equals to, basically X upon Y plus Y upon Z is X upon Y plus Y upon Z is equals to A minus Z by X. And Y upon Z plus Z upon X, Y upon Z plus Z upon X is equals to A minus X upon Y.
एंड सिमिलरली जेड अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स अपॉन वाई इट इज ए माइनस जेड अपॉन एक्स और एक्स अपॉन वाई इट इज वाई बाय जेड. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज थ्री ब्रैकेट्स. इट बिकम्स ए क्यूब व्हेन ऑल थ्री ए आर मल्टीप्लाइड. नाउ विद ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के साथ में क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू ए स्क्वायर. नाउ विथ ए दीज टू मल्टीप्लाइड सो इट बिकम जेड अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन वाई. वेन दीज टू मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स एंड फोर दीज टू एक्स अपॉन वाई वाई प्लस वाई अपॉन जेड दैट इज एक्स अपॉन जेड एंड ए. लास्ट वन इज when all three z upon x, x upon y and y upon z multiplied, it became minus 1. We can see that this is also a. So a minus a into a square, it means a cube minus a cube, cancel. Z upon y, y upon x, x upon z, it is b. So it is b and minus 1. Now it will become c equals to b a or a b minus 1. Now AB minus C is equals to 1. So our answer is 1. Now question number 6. Find the number of triples of real number ABC such that A power 20, B power 20. Basically, we can see that all powers 20, 20, 20, 24, 24, 24 all are even numbers. So ABC can take positive or negative values. Now we have to decide the which values this ABC can get. So if we put A equals to 1, so clearly B and C will become 0. So 1 is 1, 0, 0. Similarly, minus 1, 0, 0 also the answer. Now we can put B equals to 1, A equals to C equals to 0. So 0, 1, 0. Similarly, 0, minus 1, 0 and so on. If C equals to 1, A equals to B equals to 0. So one solution is 1 and 0, 0, minus 1. Other than these 6, we does not get any values. So our solution is 6 pairs, 6 triplet. Answer is 6. Determine the sum of all possible surface area of a cube, two of whose vertices. So, यहां पे अपने को दो वर्टेक्स गिवन है. अब ये नहीं पता कि ये साइड के है, सरफेस के है या फिर बॉडी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल किसके है. तो अपन क्या करेंगे, एक बार इनको साइड के वर्टेक्स मान लेंगे, एक बार इनको साइड के कॉर्नर मान लेंगे या फिर एक बार इनको सरफेस के वर्टेक्स, सरफेस डायगोनल के वर्टेक्स मान लेंगे. तो इस तरह से अपन तीन केसेस बना सकते हैं. या तो ये क्या हो, साइड के साइड बनाए. तो वैसे लेंथ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रही है अपने पास में 3 माइनस 1 होल स्क्वायर यानी 4, 3 माइनस 2 यानी 1 और 2 माइनस 0 यानी 4. तो 4 प्लस 4 प्लस यानी लेंथ कितनी आ रही है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, 3 आ रही है. अब देखते हैं अगर साइड्स के वर्टेक्स हो यानी इस टाइप का हो, ये वाला हो तो ये वाली लेंथ ए है यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3. इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 6 ए स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 954. अब अगर अपन देखें ये सरफेस डायगोनल हो, सरफेस डायगोनल के केस में क्या बनेगा, इस टाइप का बनेगा ये वाले, या तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर इन दोनों में से ये बनेगा यानी रूट टू ए की वैल्यू बेसिकली कितनी है, 3. सो ए इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट टू. सो इस टाइम पे सरफेस एरिया कितना आएगा अपने पास में, 6 इंटू ए स्क्वायर और यहां पे ए की वैल्यू कितनी है, 3 बाई रूट टू यानी 9 बाई टू. तो ये आ जाएगा अपने पास में 27. इसी तरह से अगर प्रिंसिपल डायगोनल या बॉडी डायगोनल बने तो अपन क्या लेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, रूट थ्री है और वो किसके इक्वल है, 3. यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट थ्री. तो यहां पे सरफेस एरिया 6 इंटू रूट थ्री का
स्क्वायर और वो हो जाएगा 18। इन तीनों को अपने को ऐड करना है, 54, 27 और 18, इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 99। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट एन बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट द सम ऑफ डिजिट ऑफ एन इज डिविजिबल बाई 5 एज वेल एज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 5। अपने को ऐसा ढूंढना है, दो कंजुगेटिव नंबर चाहिए जिनके डिजिट्स का सम कितना है, 5 है। तो अपन एक बार के लिए छोटे नंबर्स पे जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं, दो डिजिट तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक से तो होगा नहीं। जैसे मान लो कि 5 है तो 6 बनेगा, तो ये पेयर तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जैसे मैंने देखा, पहला आया अपने पास में 14, इसके डिजिट्स का सम कितना है, 5 है। और इसके नेक्स्ट क्या आएगा, 15, बट इसके डिजिट्स का सम 15 नहीं, यानी ये पेयर तो पॉसिबल है नहीं। तो इसी तरह से अपन और देखते हैं, जैसे एक पेयर आएगा अपने पास में 19 और दूसरा कितना आएगा, 20। तो 19 एन हो गया, तो 20 कितना होगा, एन प्लस 1। एक पॉसिबिलिटी ये देख लो कि इसके आगे 16 आएगा, तो 15 और 16 ये वाला भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये खुद का सम 5 नहीं हो रहा, तो 16 का कहां से हो जाएगा। तो ये वाले में भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनका सम कितना नहीं आ रहा है, 5 से डिविजिबल नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमारे टू डिजिट में और देखोगे, तो जैसे एक नंबर देखते हैं अपन, और 56, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। इसके आगे 57 होगा, इस तरह से पॉसिबल नहीं। अब अगर अपन टू डिजिट में इस तरह से अपन देखेंगे तो कुछ भी मिलेगा नहीं। तो थ्री डिजिट पे चलो, तो ये थ्री डिजिट पे मैं एक नंबर लिख रहा हूं, 299, या फिर ऐसे लिख सकते हो 145। 145 में भी यही हो रहा है, 146। यानी कुल मिला के अगर देखोगे तो आपके पास में ये जो है ना नंबर, जैसे 4, 5, 114, 1, ये 55, 56, जैसे किसी के लास्ट में 9 नहीं आ रहा है ना, उनमें तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा 145। जैसे कोई और नंबर देखो, जैसे 2, 3 और 5, 5, ये नंबर है, चार डिजिट का लिए, रैंडम ऐसे उठा रहे हैं, पर ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि लास्ट डिजिट एटलीस्ट कितना आएगा। और एक नंबर होगा इसके आगे वाला 256, तो इनमें भी पॉसिबल नहीं। यानी 100% एक इन दोनों में से नंबर होगा जिसके लास्ट का डिजिट कितना होगा, 9। तो अपन पॉसिबिलिटी वही वाली चेक करेंगे जिनमें 9 आ रहा हो लास्ट में। तो 9 में ये तो चेक कर लिया, तो इस पे तो नहीं आ रहा। फिर कितना आएगा, 9 वाले के अंदर 19 के बाद में कोई ऐसा नंबर जिसमें 69 चेक करते, 69 का सम कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 69 के आगे बट 70 आएगा, तो वो वैसे पॉसिबल नहीं। यानी टू डिजिट में तो अपन कहीं पे भी देखने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब थ्री डिजिट में देखो, तो 299 एक नंबर में लिख रहा हूँ, जो किससे, जिसका सम कितना है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 18 प्लस 2 यानी 20। इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, 300, इसके डिजिट्स का सम डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये वाला तो नंबर पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अपन थ्री डिजिट में भी अपने को कुछ नहीं मिलेगा, फोर डिजिट में भी नहीं मिलेगा। जैसे फोर डिजिट में एक नंबर देखता हूँ मैं, 399, ये नंबर है, ये डिवाइड है, इसकी जिसके सम कितना आ रहा है, 27 और 330 आ रहा है, बट इसके आगे जो नंबर आएगा वो 4000 आएगा। इसमें डिजिट्स का सम कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, जो कि डिवाइड हो नहीं ना। इसके आगे एक डिजिट और बढ़ाते हैं अपन, ये देखो इसके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 40, और इसके आगे जो नंबर आएगा वो आएगा 50,000। इसके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 5 से डिविजिबल, और इसका भी 5 से डिविजिबल। तो ये वो फर्स्ट नंबर है जो क्या बना रहा है, n की वैल्यू है। यानी ये नंबर जिसके डिजिट्स का सम 5 से डिवाइड हो रहा है, इसके आगे वाले नंबर का भी डिजिट्स का सम किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो पहला वो जो नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, वो कौन सा रहेगा, 4999। इसमें पूछा है फर्स्ट टू डिजिट, तो फर्स्ट टू डिजिट्स आर 49, सो आंसर इज 49। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द ग्रिड ऑफ पॉइंट, दो एम और एन ऐसे पॉइंट है, तो मैं एक ऐसे अपना सिस्टम बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें अपन चल लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह से यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरह से अपने को इस तरह से मैंने क्या किया, जितने भी पॉइंट्स है, ये जो ये कॉर्नर आ रहे हैं ना, वो इस एम और एन एक्स को डिनोट कर रहे हैं, ये जो जितने भी कॉर्नर है।
अपन एक एक नंबर के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो भी इन्होंने बोला है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की काम करते हैं। ये सारे कौन है, तो पहला पॉइंट मैं ये ले लेता हूं 0.0। इन्होंने आगे क्या बोला है, देखो आपको एक पेयर बनाना है। किस टाइप का पेयर, कि दो पॉइंट्स का पेयर है, एक्स के अंदर होने चाहिए यानी इन्हीं पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए, उसको नाइट मूव बोला है। कैसा, कि अगर पहला पॉइंट है ए कोमा बी और सी और डी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट में या तो टू बढ़ा दो या फिर टू कम कर दो, प्लस माइनस का मतलब यही होगा, या तो दो बढ़ा दो या फिर एक कम कर दो, बट उसके साथ साथ में क्या काम करना है, डी के अंदर सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट में क्या करना है, या एक बढ़ाना है या कम करना है। तो ये काम करना है अपने को। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ये 0.0 लिया एक पॉइंट, तो इसके लिए ये वाला जो पॉइंट बनाते हैं, या तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या कर दो आप, दो बढ़ा दो, तो यानी ये, और वाई कोऑर्डिनेट में एक, तो इसके लिए पॉइंट कितना मिलेगा, एक पॉइंट मिल गया। फिर दूसरा, इसके लिए और क्या बढ़ा सकते हैं अपन, या फिर कितना बढ़ा दो आप, एक बढ़ा दो, और एक तो एक्स एक्स में बढ़ा दो यानी इस साइड में चलो, और दो किस में बढ़ा दो, दो तो एक्स में बढ़ाया और एक वाई में बढ़ाया, या फिर दो एक एक्स में बढ़ा दो, सी में एक बढ़ाना है और वाई में दो बढ़ाना है। तो ये वाला तो इसके अकॉर्डिंग मिल गया और एक यहां पे मिल जाएगा। तो 0.0 के लिए ऐसे पॉइंट कितने होंगे, दो पॉइंट होंगे, तो 0.0 के लिए दो पॉइंट। ऐसे ही अपन 0.1 के लिए देखते हैं, 0.1 के लिए अपन या तो इस तरह से एक पॉइंट तो ये मिलेगा अपने को, और दूसरा पॉइंट ये मिलेगा, दो पॉइंट इसके लिए मिल गए। और भी बढ़ा सकते हैं अपन, चलो दो पॉइंट एक बार अपन इंक्रीज वाला देखते हैं ना। और फिर ऐसे ही 0.2 के लिए, तो 0.2 के लिए एक पॉइंट तो ये मिलेगा और दूसरा पॉइंट ये मिलेगा, तो दो पॉइंट इसके लिए मिल गए। ऐसे ही 0.3 के लिए देखोगे तो इसके लिए अभी अपने को एक ही मिलेगा इसके, तो इस लाइन में कितने हो गए टोटल, सात मिल गए यहां पे। एक बार अपन इंक्रीज वाले देख रहे हैं सिर्फ, है ना। फिर इसके लिए देखो, इसके लिए या तो ये वाला पॉइंट होगा या फिर ये वाला पॉइंट, ऐसे ही इसके लिए ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट, इसके लिए या तो यहां पहुंचो या फिर यहां पहुंचो, और इसके लिए यहां पहुंचो, यानी इसके लिए भी अपने को कितने मिलेंगे, सात, और इसके लिए भी सात ही मिलेंगे। क्यों, देखो एक दो तीन चार पांच छ और ये वाला सात, है ना, तो कितने हो गए, सेवन सेवन सेवन। फिर देखो इस 3.0 के लिए, इसके लिए बेसिकली ये तो मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। फिर इसके लिए और इसके लिए ये, तो कितने मिले, थ्री यहां मिल गए, तो टोटल कितने हो गए, टेन और ये 14, तो 24 तो किसके लिए मिल रहे, और भी मिल रहा है कुछ, 4.4 फोर वाली लाइन के लिए कुछ भी मिलेगा नहीं, 24 मिल रहे, और 24 अगर प्लस में मिले तो 24 किस में मिल जाएंगे, माइनस में, तो 24 का अपन क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो जाएगा, 48 इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 48। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इसको इधर मूव कराएंगे, इसको इधर मूव कराएंगे, तो उस हिसाब से जितने पॉजिटिव के लिए अगर अपन इस साइड में मूव करें 24 मिलेंगे, तो इनके लिए इस साइड में मूव करेंगे तब भी कितने मिलेंगे अपने को, या फिर ऐसे मान लो कि एक बार माइनस कर लो एक बार प्लस कर लो, तो उससे भी कितने मिलेंगे, 24 ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ पी फॉर विच देयर एग्जिस्ट ए ट्राइंगल विद साइड ए बी एंड सी विच सेटिस्फाई दिस रिलेशन। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक बार के लिए जिसमें P आ रहा है, P अलग नंबर है, तो P वाली टर्म्स को तो एक साइड में कर लेते हैं, बाकी टर्म्स को एक साइड में। यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस 9B² और -6AB, ये तो बिना P वाली टर्म्स है, और P वाली टर्म्स के साथ में क्या है, B² P² प्लस के साथ में, और -6PBC और क्या बस गया, और कहीं पे है P 6BPC और एक है
9c2। इसको c वाले को भी मैं यहाँ रख देता हूँ क्योंकि इसके अंदर c आ रहा है, तो इसकी पेयरिंग इसके साथ में करते हैं और इन तीनों का पेयर। ये बेसिकली देखा जाए तो a माइनस 3b का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखोगे तो ये bpc माइनस 2c या 3c, सॉरी 3c का होल स्क्वायर। दो स्क्वायर टर्म्स का सम जीरो हो रहा है, कोई भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो जीरो बनाना यानी दोनों जीरो होगी, यानी a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 3b के, और bp की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 3c के। यानी अगर अपन c की वैल्यू निकालना चाहे यहाँ से, तो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, bp बाई 3। तो अपने पास में तीन साइड आ गई, एक तो साइड है 3b, दूसरी साइड है b, और एक साइड है bp बाई 3। अब अपने को क्या करना है, ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, यानी दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। यानी पहली चीज तो मैं इन दोनों को ऐड करके इससे बड़ा कर देता हूँ, और एक बार इन दोनों को ऐड करके इससे बड़ा कर देता हूँ। यानी एक दो जो भी पॉसिबिलिटीज है उनको देख लेते हैं। यानी 4b इज ग्रेटर देन bp बाई 3, यानी p इज लेस देन 12, यहां से तो ये मिलेगा। फिर एक करते हैं अपन की 3b प्लस bp बाई 3 इज ग्रेटर देन b, यानी यहां से मिल जाएगा 2b प्लस bp बाई 3 इज ग्रेटर देन 0। So, b तो 0 हो नहीं सकता, तो b से डिवाइड कर दो, यानी 6 प्लस p इज ग्रेटर देन 0, सो p इज ग्रेटर देन माइनस 6। बेसिकली p इंटीग्रल है, तो ये तो हमेशा सही होगा ही होगा। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी हो रहा है कि b प्लस bp बाई 3 इज ग्रेटर देन 3b। सो यहां से देखोगे तो यहां से पता चल जाएगा b 2b और 6b, यानी p इज ग्रेटर देन 6। तो तीन कंडीशन मिली अपने को, इन तीनों को नंबर लाइन पे एक बार ड्रॉ करते हैं, माइनस 6, 6 और 12। एक तो बोल रहा है 12 से कम होनी चाहिए, चलो ठीक है इधर की साइड में नंबर। एक बोल रहा है माइनस 6 से ज्यादा, तो ये लो, और एक बोल रहा है 6 से ज्यादा। यानी फेवरेबल आउटकम कहाँ पे मिलेंगे अपने को, यहां से 6 और 12 के बीच में। तो पी की वैल्यू कहाँ कहाँ पे आएगी, इंटीजर हो रहा है 7, 8, 9, 10 और 11, ये चार पांच वैल्यूज मिलेंगी। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, तो ये कितनी आएगी अपने पास में, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। द पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। अब ध्यान से देखो, दो इक्वेशन अपने को गिवन है, एक में देखो डिनोमिनेटर में a प्लस 1 है, इसमें भी a प्लस 1। अगर ये ऐड होंगे तो a प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और न्यूमरेटर में बनेगा 3c प्लस 1, और एक का डिनोमिनेटर देखो 3c प्लस 1। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, कुछ फायदा होता दिख रहा था, इन दोनों को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2। तो a प्लस 1, तो यानी यहाँ पे बनेगा 3c प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। 2b प्लस 1 और 2b प्लस 1 ये है, तो इसके न्यूमरेटर में आएगा a यहां से और 1 यहां से, और एक नंबर देखो यहां से 3c प्लस 1 वाले का, इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बन जाएगा 2b, और इधर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। चलो ठीक है, अब ये तीन नंबर है, इसको तो मैंने मान लिया x, और इसको मान लिया y, और इसको मान लिया z। ध्यान से देखो, अगर इन तीनों का अर्थमेटिक मीन देखूं मैं, इन तीनों नंबर का, तो वो आ रहा है 1, x प्लस y प्लस z अपॉन 3, यानी कितना आ जाएगा 1। और ऐसे ज्योमेट्रिक मीन देखोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ज्योमेट्रिक मीन इसको 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 मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कट हो जाएगी, यानी ज्योमेट्रिक मीन में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी अपन देखना चाहे तो ये नंबर क्या होने चाहिए, तीनों नंबर इक्वल होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन इक्वल हो सकते हैं। यानी अपन देख सकते हैं कि 3c प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, ये भी कोई नंबर होगा, मान लो कि k होगा। ऐसे ही a प्लस 1 अपॉन 2b प्लस 1, ये भी किसी k नंबर के इक्वल होगा, और ऐसे ही 2b प्लस 1 अपॉन 3c प्लस 1, ये भी किसी न किसी k नंबर के इक्वल होगा। और इसमें अपन इन तीनों की वैल्यू रख देते हैं, यानी k प्लस k और प्लस k इक्वल्स टू 3, यहाँ से k की वैल्यू मिल गई अपने को 1। यानी बेसिकली ये तीनों चीज़ें किसके इक्वल होनी चाहिए, k के। यानी इसको अगर 1 के इक्वल करोगे तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3c के। इसको अगर 1 के इक्वल करोगे तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2b के। और इसको 1 के इक्वल करोगे यानी 2b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3c के। अपने पास में एक इक्वेशन और है, जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसमें ध्यान से देखो a की वैल्यू कितनी है, 3c, और 2b की वैल्यू भी कितनी है, 3c, आया ना। तो इस वाले इक्वेशन में रख देता हूं मैं,
ए को तो एज इट इज रहने दो, चलो ए की वैल्यू निकाल दे ए प्लस वन, यहाँ पे टू बी की वैल्यू भी ए है तो ए प्लस वन, और थ्री सी की वैल्यू वैसे टू बी है और टू बी की वैल्यू ए है तो ये भी कितना हो जाएगा ए प्लस वन, और ये किसके इक्वल है टू, यानी थ्री अपॉन ए प्लस वन इक्वल्स टू टू, तो यहां से अपने को ए की वैल्यू मिल जाएगी थ्री बाई टू माइनस वन यानी वन बाई, अगर ए की वैल्यू वन बाई टू है तो यहां से सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी वन बाई सिक्स, और बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी वन बाई फोर। अब इन्होंने पूछा है कि वन बाई ए वन बाई बी और वन बाई सी, यानी वन बाई ए तो कितना है टू, वन बाई बी कितना है फोर, और वन बाई सी कितना है सिक्स, तो आंसर कितना हो जाएगा ट्वेल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, कंसिडर ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड लेंथ 16, ओके लेट ई एफ बी पॉइंट्स ऑन सी डी सच दैट, अपन एक स्क्वायर बना लेते पहले तो, लेट से दिस पॉइंट इज ए बी एंड नेक्स्ट सी एंड लास्ट डी ऑन सी डी साइड, ई एफ और डी, ई और एफ दो पॉइंट है सी पे, लेट से दिस इज ई दिस इज एफ, और अपने को गिवन है कि ये वाली साइड्स कितनी है इक्वल है, यानी अगर ये 16 है तो ये कितनी हो जाएगी 16 बाई थ्री, 16 बाई थ्री और 16 बाई थ्री। नाउ लेट द लाइन बी एफ, बी एफ इज दिस लाइन एंड ए ई मीट्स एट द पॉइंट एम, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ए एम बी या फिर एम ए बी जो भी नाम हो, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना एक चीज, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरी चीज यहां पे देखोगे तो ये दोनों पैरेलल लाइंस होती है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दो एंगल सेम हो गए, यानी दोनों ट्राइंगल कैसे है सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर ट्राइंगल है तो उसमें जितनी भी लेंथ होती है उन सबका रेशियो सेम होता है। अगर इसकी हाइट मैं एच मान लू इस ट्राइंगल की, ये वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी हो जाएगी, ये टोटल 16 है तो 16 माइनस एच, तो इनका रेशियो भी वही होगा जिनकी और कोई सी लेंथ, यानी ये 16 और ये कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ 16 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एच अपॉन 16 माइनस एच, इनका रेशियो वही होगा जो 16 और 16 बाई 3 का होगा, यानी अपने को पता चल गया कि एच अपॉन 16 माइनस एच इक्वल टू कितना हो गया 3, सो एच इक्वल टू 16 इंटू 3 माइनस 3 एच, सो बेसिकली एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब इस ट्राइंगल का बेस 16 है हाइट 12 है तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1 बाय 2 बेस इनटू हाइट, 1 बाय 2 बेस 16 एंड हाइट इज 12, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 और आंसर इज 96। सो अपने पास में ट्राइंगल एम ए बी का एरिया कितना आएगा 96। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी विथ A greater than C satisfies the following equation. These two equations are given AC plus B plus C and A plus B plus C equals to 32. Now we have to take these two, this relation AC और BC को इधर ले आएंगे क्योंकि C वाले term को मैं एक साथ में करना चाह रहा हूँ, और फिर B रखा हुआ है इधर, A आ जाएगा plus C और equals to 66. यहाँ से basically C common लेते हो तो क्या बच जाएगा आपके पास में A minus B, और यहां से अगर माइनस वन कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी बचेगा, यहां पे बचा हुआ सी इक्वल्स टू 66। देखो यहां से ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो ए माइनस बी और बचेगा सी माइनस वन, यहां पे बेसिकली सी है तो इसमें से अगर माइनस वन कर दूं तो ए फैक्टर फिर से कॉमन आ जाएगा तो 66 माइनस वन, तो फिर से सी माइनस वन कॉमन लोगे तो यहां बच जाएगा ए माइनस बी और यहां पे बचेगा प्लस वन। 65 इक्वल आ रहा है इन दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट के। अब c पॉजिटिव इंटीजर है तो c माइनस बी, वन भी पॉजिटिव इंटीजर, a माइनस बी प्लस वन ये भी क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर, क्यों a और b दोनों कैसे पॉजिटिव, यानी 65 को इस तरह से अपने को फैक्टराइज करना है कि 165 लिख सकते हैं या तो, या फिर 65 इंटू वन लिख सकते हैं, या फिर 5 इंटू 13, या फिर 13 इंटू इस तरह से लिख सकते हैं, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि दो नंबर के प्रोडक्ट में रखे। तो पहली चीज मैं सी को मान लेता हूं, यहां से सी माइनस वन को वन, तो ए माइनस बी प्लस वन किसके इक्वल आ जाएगा यहां से 65, तो सी की वैल्यू तो आ गई 2 और ए माइनस वन ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 64, ए माइनस बी 64 है सी 2 है
तो यहां से अपने को पता चल जाएगा कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। इन दोनों को ध्यान से देखो तो अपने को पता चल जाएगा कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस सम से ज्यादा नहीं आ सकता, तो ये वाली कंडीशन तो क्या होगी, फेल होगी, यानी ये वाला केस तो क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा देखो, अगर c माइनस वन इक्वल्स टू 65 है और a माइनस बी प्लस वन इक्वल्स टू 1 है, तो यहां से c की वैल्यू मिल रही है अपने को 66। अगर ध्यान से देखा जाए तो तीन नंबर का सम 32 है, तो अकेला 66 हो जाएगा, तो ये वाला भी केस पॉसिबल नहीं है। c 66 हो जाएगा तो ये बी प्लस ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब अपन देख से c माइनस वन इक्वल्स टू 5 और a माइनस बी प्लस वन इक्वल्स टू 13, तो यहां से c की वैल्यू तो मिल रही है 6 और a माइनस बी की वैल्यू मिल रही है 12। c की वैल्यू 6 इसमें पुट करेंगे तो a प्लस बी कितना आएगा, 32 माइनस 6 दैट इज 26। इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू तो आएगी और b की वैल्यू आएगी। देखो a की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इक्वल्स टू 38, तो यानी a की वैल्यू आ जाएगी 90। a 19 है तो b आ जाएगा 7। अब ये कंडीशन तीनों पॉजिटिव इंटीजर है और a यानी 19 6 से बड़ा है, तो यानी ये वाली पॉसिबिलिटी है। एक ये केस और चेक कर लेते हैं अपन, इसमें भी कुछ मिले तो, यानी c माइनस वन की वैल्यू 13 है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। c की वैल्यू 14 है और यहां से a माइनस बी प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी a माइनस बी कितना आ जाएगा, 4। a माइनस बी 4 है, c की वैल्यू 14, 14 यहां पे रखोगे तो 32 माइनस 14 आ जाएगी a प्लस बी की वैल्यू, 32 में से 14 जाएगा तो ये बच जाएगा 8 या 18। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू तो मिलेगी आपको, यहां से दोनों को ऐड करो 11, यहां से a की वैल्यू मिलेगी 11 और b की वैल्यू मिल जाएगी 7। बट यहां पे एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि a c से बड़ा होना चाहिए, यहां पे क्या है, छोटा है, तो यानी ये वाला केस भी क्या हो गया, फ्लो। तो अपने को a की वैल्यू तो मिली है 19, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 6, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, a की वैल्यू पूछिए तो वो आंसर कितना हो जाएगा, 90। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इनिशियली देर आर 3 power 80 पार्टिकल्स एट द ओरिजिन, ओके, एट ईच स्टेप द पार्टिकल आर मूव टू पॉइंट अबव द एक्स एक्सिस एज फॉलो। एक्स एक्सिस के अबव पॉइंट्स को मूव कराने, ओरिजिन के ऊपर है, तो पहली चीज तो मैं अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो एक बार के लिए ये बना लेते हैं अपन ओरिजिन। ये ओरिजिन है, इस पे पार्टिकल 3 power 80, ये काफी बड़ा नंबर है, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं के है इसको। चलो देन n by 3, इस बॉक्स का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, और वैसे भी n by 3 इंटीजर ही बनेगा, 3 पावर 80 है तो n by 3 करोगे तो ये 3 पावर 80 अपॉन 3 n 3 पावर 79 बनेगा, वो भी इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं। n by 3 आर मूव, तो 1/3 तो कहाँ पे जाएंगे, x प्लस वन और y प्लस वन, 1/3 कहाँ पे जाएंगे, x और y प्लस वन, और 1/3 कहाँ पे जाएंगे, रिमेनिंग 1/3 x माइनस वन और y प्लस वन। यानी सीधी सी बात है कि y कोऑर्डिनेट में तो क्या करना है आपको, एक का इंक्रीमेंट करना है, और x कोऑर्डिनेट एक बार कांस्टेंट रखना है, एक बार कम करना है, एक बार ज्यादा करना है, यानी कुछ इस तरह से मूव करेगी। अगर 0, 0 पे है तो वहां पे जाएगी ये y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, तो एक तो यहां पे जाएंगे 1/3, दूसरे 1/3 यहां पे जाएंगे और तीसरे 1/3 यहां पे जाएंगे, यानी k बाय 3 तो यहां पे जाएगा, k बाय 3 यहां पे रहेंगे और k बाय 3 यहां पे रहेंगे। चलो ये वाला पॉइंट कितना है, ये 1.1 हो गया, ये 0.1 हो गया। आगे देखो, फिर इन पॉइंट से कुछ आगे मूव करेंगे। देखो इन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल आफ्टर द फर्स्ट स्टेप देयर आर 3 power 79 पार्टिकल ईच एट 1/1, यानी के बाय 3 हो गया, और 0.1 और -1.1। आफ्टर द सेकंड स्टेप देयर आर 3 power 78 पार्टिकल मूव एट -2.2, 2.2 और -1.2 और 1.2 और इस तरह से कुछ करके। तो यानी ये वाला कहां कहां पे मूव होगा, इस पे जो भी पार्टिकल है उसका 1/3 यहां पे, यानी y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन पे। देखो k बाय 3 का 1/3 यहां पे, यानी k बाय 3 स्क्वायर,
इसका वन थर्ड यानी के बाई थ्री स्क्वायर, इसका वन थर्ड के बाई थ्री स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसके पार्टिकल यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, और इसके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से जाएंगे। अपने को बेसिकली इन्होंने 80 स्टेप में बोला है, और कहाँ पे बोला है, 79.80, यानी इस साइड वाले पार्टिकल पता करने। तो अपन इधर ज्यादा गौर नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो अपन देख लेंगे अगर एक बार। तो के बाई थ्री, अभी अपन ने इसके डिस्ट्रीब्यूट किए, अभी इसके डिस्ट्रीब्यूट और करने, तो इसके यहाँ पे भी जाएंगे यानी के बाई थ्री यानी 2k/3, फिर इतने यहाँ पे जाएंगे 2k/3, और इसके के बाई थ्री यहाँ पे भी जाएंगे। फिर देखो इससे जाएंगे कितने, यहाँ पे के बाई थ्री, तो यानी 2k/3 की बजाय कितना हो जाएगा 3k/3, और यहाँ से जाएंगे तो 2k/3 square, सॉरी, और के बाई थ्री का स्क्वायर यहाँ पे चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नेक्स्ट देखो, तो इन्होंने भी शायद सेकंड स्टेप में यही बोला है, 3 power 78 यानी 2k/3 square -2.2, ठीक है, और 2.2 पे, और 2 into 3 power 78 कहाँ पे, -1.2 और 1.2, और 3 power 79 यानी 3 into k/3 square यानी ये वाले किस पे आएंगे, 0.2 पे। तो इस तरह से अपने क्या स्टेप, कितने स्टेप कर दिए, 2 स्टेप, यानी ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप की बारी आती है, y=3। देखो इससे अपने को कहां पे कितने जाना है, यहां पे जाएगा k/3 square, तो ये आएगा k/3 power 3, इसके वन थर्ड k/3 power, इसके वन थर्ड k/3 power 3, इस वाले डिस्ट्रीब्यूट। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो इसके यहां पे जाएंगे यानी 2k/3 power 3, तो 2 यहां से, 1 यहां से, तो कितना हो जाएगा 3k/3, और फिर यहां पे तो ये भी 2 और 1 3 हो जाएगा, और फिर इसके वन थर्ड जाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2k/3 power 3। अब देखो इससे भी यहां पे आएंगे, तो इससे यहां पे कितने आएंगे, इसका वन थर्ड आएगा यानी 3k/3 square यानी 3 पहले से 3 और आएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे 6। यहां पे कितने हो जाएंगे 3 यहां पे, और वन थर्ड इसके और आएंगे तो 3³ होगा, तो ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और यहां पे फिर से कितने जाएंगे 3k/3 square। अब देखो इससे यहां पे जाएंगे कितने 5 यहां से पहले से, तो ये कितने हो गए 7 होंगे, ये कितना है यहां पे अपने पास में 7 हो, यहां पे 3 यहां से और 2 यहां से तो 5 और 1 यहां से, तो ये कितने हो जाएंगे 6। देखो ये अल्टरनेट आएंगे, तो यहां पे कितने हो जाएंगे 3k/3³ और यहां पे k/3³। चलो करते जाते हैं अपन ऐसी तरह से। ऐसे ही फोर्थ स्टेप में आओगे तो y=4 वाली लाइन पे आएंगे, y=4 वाली लाइन पे देखो यहां पे k/3 power 4 आएगा, इसके वन थर्ड होंगे यानी 3 से डिवाइड और कर दो, और इसके देखो यहां से यहां पे इसके भी आएंगे, ये वाले भी जाएंगे वन थर्ड, और इसके भी आएंगे, तो कितने हो जाएंगे 1, 3 और ये 6, तो 1, 3 और 6 यानी टोटल मिला के कितने हो जाएंगे यहां पे 10 k/3 power 4। फिर देखो, सॉरी सॉरी, देखो इससे एक यहां पे जाएगा और एक यहां पे आएगा, तो यहां पे तो हो जाएगा k/3 power 4, यहां पे k/3 जाएगा और यहां से 3 इसके और इसके यहीं पे आएंगे, बाकी तो इधर वाले के तो इतने आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि इसके तो इन तो इन पॉइंट पे रखने ना, तो इसके वाले k/3³ 3 power 4 और ये 3 यानी 4k/3 power 4, और यहां पे 1, 3 और 6 यानी ये हो जाएगा 10k/3 power। नेक्स्ट फिर फिफ्थ स्टेप में जाओगे, y=5, तो एक तो k/3 power 5 रहेगा यहाँ पे, इसके इस वाले पॉइंट पे भी जाएंगे और इस वाले पॉइंट पे भी जाएंगे, तो इस वाले पे एक तो इसके इस वाले से आएंगे और एक यहाँ से आएंगे वन थर्ड,
तो ये तो हो गया k अपॉन 3 पावर 4 और ये हो गया 4k, यानी यहां पे कितने आएंगे 5k अपॉन 3 पावर 4। ये फिफ्थ स्टेप है। बेसिकली इन्होंने पूछा है 79, 80। तो देखो फर्स्ट स्टेप में 0.1 ये 80 बोल रहा है ना, 0.1 कितने पार्टिकल है k by 3। सेकेंड स्टेप में 1.2 देखो 1.2 पे कितने हैं 2k/3². थर्ड स्टेप में कौन से पे 2.3 पे, 2.3 कौन सा पॉइंट है ये वाला 3k/3³। और फिर फोर्थ स्टेप में 3.4, तो 3.4 कौन सा पॉइंट है ये वाला पॉइंट, यानी 4k/3⁴। और फिफ्थ स्टेप में ये देखो ये वाला पॉइंट कौन सा 4.5, तो इस पे कितने हैं 5k/3⁴। तो इसी तरह से अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 79.80 किस स्टेप में रहेगा, 80 स्टेप में, और उस पे पार्टिकल कितने रहेंगे अपने पास में फाइनल 80k/3⁴। 3⁴ और इनको कहां पे बोला है कि इस पे कितने पार्टिकल होंगे, तो ये पार्टिकल आ गया k की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, यानी 80 k किसको अज्यूम किया था इसको 3⁴ और डिवाइडेड बाय 3⁴। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 80। तो 80th स्टेप में अपन कहां पे पहुंच जाएंगे 79.80 पॉइंट पे, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते होते वहां पे कितने पार्टिकल हो जाएंगे 80 पार्टिकल। आंसर अपना कितना आ जाएगा 80। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एक्स बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 25 इंटीजर्स, दीज आर एन, एन प्लस टू एंड सो ऑन, एन प्लस 38। यानी बेसिकली क्या हो रहा है एन में कुछ ऐड हो रहा है कितना 2, 4, 6 ऐसे करके 38 तक। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एनी थ्री नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, सेम भी हो सकते ऐसी बात नहीं है, फॉर्म द साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो पहली चीज तो अपने को पता चलना चाहिए कि ट्राइंगल बनेगा, यानी ट्राइंगल कब बनेगा जब दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा हो। तो मैं क्या करता हूँ ऐसा केस लेता हूँ कि जहां पे मिनिमम पॉसिबिलिटीज हो, यानी साइड का सम क्या करते हैं अपन मिनिमम कर दे और वो एक थर्ड साइड मैक्सिमम लेंथ की ले ले, तो उसके अलावा जो भी आएगा तो वो तो सही हो जाएगा। यानी एक साइड तो मैं ले रहा हूँ सबसे छोटी, यानी एन और एन ये सम स्मॉलेस्ट होगा, और ये अपन ने n प्लस 38 ये सबसे बड़ी वाली, अगर इन तीनों साइड से ट्रायंगल पॉसिबल है तो बाकी कोई भी कैसे भी सिस्टम में ले लो अपन सम में पॉसिबल हो जाएगा। यानी इन दोनों साइड का सम इससे बड़ा होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है ट्रायंगल इस टाइप का बनेगा, ये n है, ये n है, n प्लस 38, यानी अपने को पता चल गया n इज ग्रेटर देन 38। यहां से पहली कंडीशन। दूसरी चीज इन्होंने बोला है फॉर्म द साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब अपने को पता है कि सबसे बड़ा एंगल अगर एक्यूट हो गया तो बाकी सब तो क्या हो जाएगी एक्यूट ही रहेंगे, यानी सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ी साइड के सामने, यानी ये एंगल क्या होना चाहिए एक्यूट होना चाहिए। यानी इसका अगर एक्यूट एंगल कब पता चलेगा जब इसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए पॉजिटिव। कॉस थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव। कॉस थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम माइनस इसके स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 38 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन इंटू एन इज ग्रेटर देन, सॉरी ये जीरो होना चाहिए, वन से बड़ा तो ये होता ही नहीं। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, एक्यूट एंगल के लिए क्या होता है पॉजिटिव होना चाहिए, 2n स्क्वायर, n बेसिकली पॉजिटिव है तो उधर मिलाओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां से 2n स्क्वायर और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर और प्लस 38 2 इंटू 38 n, एक n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो n स्क्वायर माइनस 2 इंटू 38 n और माइनस 38 स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। बेसिकली अपने को इसके फैक्टर पता करने पड़ेंगे, तो फैक्टर पता करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अपन क्या निकाल लेते हैं रूट्स निकाल लेते हैं किस मेथड से श्रीधर आचार्य से। सो एन की वैल्यू यहाँ से अगर अपन देखना चाहे तो 2 इंटू 38 माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर 4 और एक आएगा 38 स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू माइनस 38 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू
देखो यहाँ से 38 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, 38 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी 2 और 38 कॉमन आ गए, तो 2 इंटू 38 और यहाँ से भी प्लस माइनस 2 इंटू 38 कॉमन आएगा। अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो वो भी 1 यानी रूट 2 हो गया। और 2 से डिवाइड करना है, 38 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, कैंसिल, तो 38 एक तो आएगा 1 प्लस रूट 2 और दूसरा आएगा 38 और 1 माइनस रूट 2। तो इसके दो रूट्स है, जीरोज है, दो पोलर पोल बनेंगे। तो वो कहां पे है, एक तो ये वाला नेगेटिव वाला है, वन माइनस रूट टू, और दूसरा है 38 वन प्लस रूट टू। अब देखो ग्रेटर का साइन है, यानी इन दोनों के बाहर लेना है अपने को सॉल्यूशन। देखो ये तो क्या है, n की वैल्यू नेगेटिव है तो पॉसिबल नहीं ये वाला पार्ट, तो कुल मिला के ये वाला पार्ट होना चाहिए पॉसिबल। तो अपने को इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करनी है कि ये 38 और 1 प्लस रूट 3, यानी बेसिकली इससे तो ज्यादा ही है, तो इसका तो सॉल्यूशन का कोई तुक बना नहीं, यानी इससे बड़ा अगर कोई n का वैल्यू तो वो अपन देख लेते। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और उसको 1 से मल्टीप्लाई 1 ऐड कर दिया तो 2.414, तो 2.414 को अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 38 से। चलो करते मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन दैट इज 92। इंटीजर चाहिए अपने को, सो एन इक्वल्स टू 92, आंसर इज एन इक्वल्स टू 92, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 38, सो आवर आंसर इज 92। उसके अलावा जो भी लोगे तो वो 92 से वैल्यू ज्यादा आएगी, और फिर जो भी है अपने को बेसिकली मिनिमम वैल्यू पूछा था, उसके स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है, तो 92 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। लेट एफ आर टू आर एक फंक्शन है, आर रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, सेटिस्फाइंग रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 27 माइनस एफ 25। तो पहले चीज तो अपन क्या करते हैं, इस फंक्शनल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके और फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया कि एक बार तो इसको एज इट इज रहने दिया, एक पहली इक्वेशन तो ये हो गई, और एक बार एक्स की जगह क्या रख देता हूं मैं, 3 माइनस एक्स रख देता हूं। तो इसमें अगर 3 माइनस एक्स रखोगे, 3 माइनस 3 माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। और दूसरा वाला 3f(3 - x) इक्वल्स टू 3 - x² ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। देखो दोनों इक्वेशन से अपन एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ 3 - x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन को तो अपन मल्टीप्लाई कर देते 3 से और दूसरी इक्वेशन को 4 से, और फिर क्या कर देते इसमें से इसको माइनस कर देते। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16fx और उधर से आएगा 9fx यानी 7fx, इधर से 12f(3 - x) और वहां से भी 12f(3 - x), तो माइनस करने में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें से एक तो आएगा 4 × 3 - x² और -3x². तो देखो बेसिकली यहां पे कितना आएगा, x² 4x² तो एक बचेगा x², यहां पे माइनस का 6 और 6 × 4 = 24x, और एक आएगा 9 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36/7, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, fx की वैल्यू। इन्होंने पूछा f(27 - f(25) माइनस करना, तो एक बार x में रखेंगे x स्क्वायर में फिर x में, तो ये 36/7 ये सब तो कॉमन ही रहेगा, तो 1/7 तो ऐड सिटीज x स्क्वायर वाले, ये 27² - 25² एक तो इनको साथ में रख के कर सकते हैं अपन, फिर -24 के साथ में 27 - 25 और फिर ये 36 - 30, तो ये तो आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 25 और 27, तो 2 और 52, इन दोनों का सम a² - b² को a - b और a+b रख दोगे तो 2 आएगा एक तो, और एक आएगा 52 52 into 2 वो जाएगा 104,
माइनस 24 इंटू टू यानी 48 और ये हो जाएगा 0 1 बाई 7 104 माइनस 48 ये हो जाएगा आपके लिए 4 6 और यहां पे 9 माइनस 4 यानी 5 और 7 से डिवाइड करना है तो 8 आ जाएगा। तो ये जो f ऑफ 27 माइनस f ऑफ 25 पूछा है उसकी वैल्यू कितनी है 8। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। कंसीडर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद साइड्स बीसी सी ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 20 लेट डी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी एंड लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए डी लेट पी क्यू बी ए कॉर्ड ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यानी ए बी सी का ट्राइंगल का सर्कम सर्कल की बात कर रहा है और ए बी सी ट्राइंगल की। तो पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं और उसका सर्कम सर्कल बना लेते हैं फिर बाकी चीजें। ये एक सर्कम सर्कल बना लिया और उसके अंदर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है कुछ इस तरह से बना लिया मैंने। ये 20 ये भी 20 और ये हो गया 30। ये पॉइंट है ए ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। इन्होंने ए से एक परपेंडिकुलर डी विद अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। तो ये डी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये 30 थी तो 15 15 हो जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल में फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। फिर इन्होंने बोला एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। सो यहाँ पे क्या है एम मिड पॉइंट है। लेट पी क्यू बी ए कॉर्ड ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एम लाइज ऑन पी क्यू और पैरेलल टू बी सी। इसके पैरेलल में एक कॉर्ड है तो एम से पास हो रही है इसको मान लिया पी और इसको क्यू। अपने को बेसिकली लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करनी है तो पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अपने को एक तो सेंटर से डिस्टेंस चाहिए होती है उस कॉर्ड के और दूसरी रेडियस चाहिए होती है। तो अपन पहले चीज तो सेंटर और ये सब पता करने हैं। तो सेंटर से डिस्टेंस एक बार के लिए अपन क्या करते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले जाते हैं। इस डी को तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ओरिजिन 0.0। ये सी हो जाएगा 15.0 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0.0 और ये पॉइंट अभी पता नहीं है तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये वाली हाइट चाहिए होगी AD 20² - 15² सो 20² - 15² का रूट होगी AD। यानी पता चल गया अपने को 20² कितना हो गया ये 5² कॉमन है तो 5 और 4² - 3² यानी 4² कितना हो गया 16 - 9 यानी 7। तो ये हो जाएगा 0.5√7। ये बेसिकली 5√7 आ रही है लेंथ। चलो अपन यहाँ पे एक सेंटर मान लेते हैं ओ जो क्या है सर्कम सर्कल का सेंटर है 0.x। क्यों आइसोसेलेस ट्राइंगल में इसी ए डी पे मिलेगा या तो एक्सटेंशन पे बाहर मिल जाएगा या फिर अंदर मिल जाएगा एक ही बात है। मैंने 0.x मान लिया था ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। 0.x की इस ए पॉइंट से डिस्टेंस और इस सी पॉइंट से डिस्टेंस यानी ओ ए किसके इक्वल होगी ओ सी के इक्वल होगी। ओ ए लेंथ देखो 0.0 ये तो हो गया एक्स माइनस 5√7 या 5√7 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका रूट लेना है और फिर या फिर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर कर देते हैं और फिर इधर से ओ सी यानी 15² इक्वल टू 15² और प्लस एक्स स्क्वायर 0 - x या एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा 5√7 का स्क्वायर 25 × 7 और माइनस ये कितना आएगा एक्स 10√7x और फिर आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 15² और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो बेसिकली हो गया कैंसिल और देखो 15² इधर लेके आएंगे और 5 तो कैंसिल करते हैं अपन इसमें डिवाइड कर से 5 से तो ये 5 × 7 बचेगा और उधर से आएगा माइनस 3 × 15 और उधर चला जाएगा 2√7x। देखो 5 कॉमन लो ये 7 है यहाँ पे बचेगा 9 तो माइनस 2 से 2 कैंसिल यानी माइनस 5/√7 आगे किसकी x की वैल्यू यानी बेसिकली ये क्या होगा यहाँ पे कहीं ना
यहां कहीं पे हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा ओ। तो इसको अपने को क्या मानना है, यहां पे मान लेते हैं अपन ये इसको जीरो को, जीरो कॉमा जीरो, और इसको मान लेते हैं जीरो कॉमा माइनस फाइव बाई रूट सेवन। अब देखो ओ ए क्या है, यहां पे सर्कम सर्कल की रेडियस है, तो एक तो ओ एम चाहिए अपने को और एक ओ क्यू चाहिए। ओ ए क्या है यहां पे, रेडियस, तो वो निकाल लेते हैं उतनी क्या हो जाएगी, ओ क्यू हो जाएगी। सो ओ ए इक्वल टू ओ क्यू, और वो किसके इक्वल है, सर्कम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर के इक्वल। ठीक है, तो ओ ए यहां से पता लगाना है, तो फाइव रूट सेवन इसमें से किसको माइनस करना है, माइनस फाइव बाई रूट सेवन, तो ये आ जाएगा अभी फाइव कॉमन सेवन प्लस वन यानी एट, तो फाइव इंटू एट फोर्टी, फोर्टी बाई रूट सेवन, सो इट इज बेसिकली फोर्टी बाई रूट सेवन। यहां पे देखो एम मिड पॉइंट है, तो ओ ए जितनी लेंथ है यानी फाइव रूट सेवन है उसका हाफ हो जाएगा, यानी ये वाली लेंथ कितनी हो गई, यहां से ए एम, ए एम लेंथ आ जाएगी अपने पास में फाइव रूट सेवन का हाफ, और किस में से माइनस करना है अपने को, ए एम तो हो जाएगी फाइव रूट सेवन बाई टू, और लेंथ चाहिए अपने को ओ एम, तो ओ एम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ओ एम इक्वल्स टू ओ ए, ओ ए कितनी है 40 बाई रूट सेवन, और उसमें से क्या माइनस करनी है, ए एम, ए एम कितनी है फाइव रूट सेवन बाई टू, तो ये तो आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 80, तो 80 माइनस 35 45, सो 45 बाई टू रूट सेवन ओ एम, यानी अपने को एम क्यू चाहिए या फिर पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम ओ एम, सॉरी एम क्यू, और एम क्यू कैसे निकालेंगे अपन, ओ क्यू का स्क्वायर, और ओ क्यू किसके इक्वल है 40 बाई रूट सेवन, सो 40 बाई रूट सेवन स्क्वायर, और उसमें से क्या करना है ओ एम का स्क्वायर, यानी 45 बाई टू रूट सेवन इसका स्क्वायर। तो यहां से बेसिकली 5 का स्क्वायर और रूट सेवन का स्क्वायर, यानी ये तो बाहर ले आते हूं मैं, 5 इंटू 2 यानी 10 बाई रूट सेवन, तो ये हो गया। अब बचेगा क्या क्या, देखो यहां पे 8 बचा है, तो 8 का स्क्वायर यानी 64, और यहां पे बचेगा माइनस 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, और यहां पे बचेगा 4, तो 64 इंटू 4 हो जाएगा 256, और 256 में से 81 माइनस करना है 5, और यहां पे बचेगा 7, 275 नहीं सॉरी 175, और 175 को 25 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 7 और बाई 4। तो देखो बेसिकली जैसे ही 25 बाहर निकालोगे 5, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, और इससे कितना बच जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 यानी पी क्यू की लेंथ हो जाएगी 25, तो आंसर कितना है अपने पास में 25। तो इस क्वेश्चन के लिए जो पी क्यू लेंथ चाहिए थी अपने को वो कितनी आएगी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी क्यू बी टू डिजिट नंबर्स नाइदर ऑफ विच आर डिविजिबल बाय 10, लेट आर बी दी फोर डिजिट नंबर, पुटिंग द डिजिट्स ऑफ पी फॉलोड बाय डिजिट्स ऑफ क्यू इन ऑर्डर। ऐसा कुछ है कि ए दो नंबर है पी और क्यू, तो पी को तो ऐसे मान लेते हैं 10 ए प्लस बी, और क्यू को इस तरह से मान लेते हैं 10 सी प्लस डी। यहां पे ये 10 से डिवाइड नहीं है, यानी डी और बी दोनों जीरो नहीं है, तो बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी नॉट इक्वल टू जीरो, चलो ये जीरो नहीं है। और फिर अब बोला है आर, सो आर इज फोर डिजिट नंबर बाय पुटिंग द डिजिट्स ऑफ पी फॉलोड बाय द डिजिट्स ऑफ क्यू। इस तरह से है कि ये इस तरह से होगा ए बी सी डी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1000 ए प्लस 100 बी और प्लस 10 सी और प्लस डी। देखो 10 सी प्लस डी तो क्या है, क्यू है, और ये क्या है 100, जैसे कॉमन लोगे यहां से तो ये 10 ए प्लस बी बनेगा और वो क्या है पी, यानी आर किसके इक्वल हो जाएगा 100 पी प्लस क्यू। चलो आर भी पता चल गया अपने को, एस पी क्यू वेरी ए कंप्यूटर प्रिंट आर ऑन द स्क्रीन, तो जैसे जैसे पी क्यू वेरी करोगे तो आर भी कुछ ना कुछ आएगा,
तो आर कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने को दिख रहा है कुछ इस तरह से है कि पी और क्यू दोनों क्या है को प्राइम है जीसीडी ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू वन एंड पी प्लस क्यू डिवाइड्स आर तो पी प्लस क्यू का इसमें डिवाइड होना चाहिए यानी बेसिकली ऐसे लिख सकता हूं मैं ये जो 100 पी प्लस क्यू है इसमें पी प्लस क्यू का डिवाइड होना चाहिए एक पी तो यहां से हटा दो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 99p प्लस पी प्लस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू तो इसमें डिवाइड होगा यानी कुछ इस तरह से आ जाएगा 99p अपॉन पी प्लस क्यू और प्लस वन अब देखो पी और क्यू दोनों को प्राइम है आया ना और टू डिजिट नंबर है पॉजिटिव नंबर है आया ना पॉजिटिव नंबर ये आर विद फोर डिजिट नंबर तो ये सब पॉजिटिव नंबर है That printed by digit, two digit number बोले तो अपन positive देखेंगे चलो तो P में तो P plus Q का divide होगा नहीं क्योंकि P plus Q P से ज्यादा होगा सीधी से बात है तो P plus Q का 99 में divide होना चाहिए यानी P plus Q क्या हो सकता है So P plus Q can be 11, 22, 33 and so on 99 ये हो सकता है फिर इन्होंने क्या बोला लार्जेस्ट नंबर दैट इज प्रिंटेड बाय कंप्यूटर तो लार्जेस्ट नंबर कब होगा जब पी और क्यू अपन लार्जेस्ट ले है ना तो लार्जेस्ट कब हो सकता है जब ये 99 आ जाए यानी पी प्लस क्यू की वैल्यू लार्जेस्ट के लिए कितनी लेनी है अपने को 99 फॉर लार्जेस्ट चलो ठीक है 99 हो गया अब अपने को क्या करना है पी और क्यू को हिट एंड ट्रायल से पता करना है कि पी और क्यू पहली चीज तो पी क्या है टू डिजिट का नंबर है यानी कहां से स्टार्ट होगा पी और क्यू दोनों अपन क्या करते हैं इसको मैक्सिमम और बनाना है दूसरी चीज तो मिनिमम किसको रखना पड़ेगा क्यू को रखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे ये वाले क्या है चीजें लास्ट में आनी चाहिए और पी की जो डिजिट है ए और बी वाले वो क्या होने चाहिए बड़े होने चाहिए तो अपने को शुरुआत में अगर बड़ा नंबर होगा तो नंबर बड़ा रहेगा जैसे 9 अगर आ गया तो वो बड़ा नंबर है 2 आ गया तो छोटा नंबर है तो अपन क्या करेंगे क्यू को कम करेंगे और पी को ज्यादा रखेंगे तो क्यू की पहली वैल्यू क्या हो सकती है 10 जो कि पॉसिबल है नहीं क्यू को क्या ले सकते हैं 11 ले सकते हैं 11 लोगे तो P की वैल्यू कितनी आएगी 88 अब ये दोनों को प्राइम नहीं है क्यों क्योंकि इनमें 11 क्या है कॉमन फैक्टर है तो Q को क्या ले लो नेक्स्ट 12 ले लो तो P कितना आ जाएगा 87 देखो यहाँ पे भी को प्राइम नहीं क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है 8 और 7 15 होता है 15 में 3 का डिवाइड हो जाएगा फिर Q की वैल्यू ले लो 13 तो P कितना आ जाएगा 86 अब 86 में 13 का डिवाइड नहीं होता यानी ये दोनों को प्राइम भी है इन दोनों का सम 99 भी है तो एक नंबर अपने को मिल रहा है 8613 चलो उसके बाद में क्यू की वैल्यू चले 14 ले ली क्यू की वैल्यू 14 ले ली अपन ने और पी की वैल्यू कितनी ले ली 85 इन दोनों में भी किसी का डिवाइड नहीं हो रहा 7 से डिवाइड भी नहीं हो रहा 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा ये दोनों भी को प्राइम है बट इनसे जो नंबर मिलेगा वो अपने को मिलेगा 8514 और ये नंबर क्या है छोटा है इन्होंने बोला लार्जेस्ट एन एन की वैल्यू या तो ये होगी या फिर ये होगी और इन दोनों में लार्जेस्ट कौन है 8613 बाकी सब क्या होंगे कम होंगे इससे तो ये कम होंगे लार्जेस्ट नंबर कौन है 8613 तो लार्जेस्ट नंबर दैट इज प्रिंटेड बाय द कंप्यूटर इज 8613 डिटरमाइन द नंबर फाउंड बाय द लास्ट टू डिजिट ऑफ एन तो लास्ट दो डिजिट कौन है 30 तो आंसर कितना हो जाएगा 30 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कंसीडर 5 पॉइंट्स इन द प्लेन विथ नो 3 ऑफ देम आर कॉलिनियर मैं ऐसे मान लेता हूं कोई भी तीन नहीं यानी कोई ना कोई अपने को पॉलीगन मिलेगा तो पॉलीगन किस तरह से मिलेगा इस तरह से मिलेगा पेंटागन मिलेगा एक तरह से चलो ये 5 पॉइंट कोई भी कॉलिनियर नहीं है तो ये 5 पॉइंट हो गए Every point, pair of points among them is joined by line. Line से join करा दिए बाकी इनको अदर भी join कराने लेकिन अभी के लिए hold करते हैं Can be color these line by red or blue. So that no three of the points form a triangle with lines of the same color. अपने को क्या करना है red और blue से line बना ली तो मैं क्या कर लेता हूँ एक बार तो ये पांचों line red बना दी फिर क्या करूंगा चार line red बनाऊंगा फिर क्या करेंगे तीन line red बनाएंगे कुछ इस तरह से अपन देखेंगे तो एक बार तो पांचों red है ये बाहर वाली साइड्स पेंटागन की साइड अब अपने को पता चल गया कि डायगनल को मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ इस तरह का आएगा अपने पास में ब्लू चाहिए तो सीधी सी बात है एक तो ये ब्लू बनेगा
एक ट्राइंगल बन गया। चलो एक ट्राइंगल देखो इस टाइप का भी बनेगा। इन्होंने क्या बोला, तीनों साइड का कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो अभी तक तो जितने भी है सब के सब ऐसे ही है। फिर एक इस तरह से मिलेगा, फिर ये वाला मिलेगा, यहां पे भी ये तीनों, और ये डायगोनल से, यानी दो डायगोनल से मिलेगा और एक, या फिर दो साइड और एक डायगोनल, दो डायगोनल और एक साइड, या दो साइड और एक डायगोनल। अपन रेड तो क्या रख रहे हैं, साइड को, यानी जो भी पॉसिबिलिटी होगी। तो यहां पे ट्राइंगल जो भी फॉर्म होंगे वो सब में क्या रहेगा, एटलीस्ट एक कलर तो डिफरेंट रहेगा रहेगा, तीनों कलर सेम नहीं रहेंगे। यानी कितने ट्राइंगल बनेंगे बेसिकली, जितने भी बने सबके सब का क्या रहेगा, तीनों साइड का कलर सेम नहीं रहेगा। तो जिन जिनको मिलाना था उनको मिला सकते अपन। इसको तीन पॉइंट से मिला दिया, चार पॉइंट से मिल गया, ये भी चार से, चार से। तो यहां पे क्या है, या तो चारों साइड बाहर वाली रेड रख दो, या फिर चारों साइड क्या रख दो, ब्लू रख दो। तो दो तो सेट ऐसे मिल गए अपने को, जिसमें या तो पांचों साइड क्या है, रेड है बाहर वाली, या फिर पांचों साइड ब्लू है। तो दो पॉइंट, दो तो ये सेटअप मिल गया अपने को इस टाइप के। एवरी पेयर पांच पांच पॉइंट्स का ऐसा पेयर मिल गया जिसमें ये है। अब अपन को ऐसा लग रहा है कि इसमें अपन कुछ चेंज करते हैं, कलर को बाहर वाले को चेंज करते हैं। चलो मैंने क्या किया, पांच की बजाय चार को रेड कर दिया, फाइव रेड है। और अब क्या कर रहे हैं, फोर रेड कर दे रहे हैं। चार रेड लाइन करनी, एक को क्या रख देते हैं अपन, इनमें से ब्लू रख देते हैं, ये लो ब्लू, इसको मैंने ब्लू कर दिया। अब देखो ये दोनों रेड है तो इसको मिलाना है, तो अपने को किससे मिलाना पड़ेगा, ब्लू से मिलाना। चलो ठीक है, अब फिर देखो ये दोनों रेड है तो इसको किससे मिलाना पड़ेगा, ब्लू से। तो ये एक ट्रायंगल मिल गया जिसमें तीनों साइड क्या है, ब्लू है। तो इसमें एक भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। अब अपन तीन रेड करते हैं, चलो तीन रेड करोगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, थ्री रेड दो, एक तीसरी, ये वाली हो गई। फिर अपन बाकी को क्या कर देते हैं, यहां से ब्लू कर देते हैं। देखो जो जो अपने को यहां पे सेटअप बनाना है, तो ये रेड है, दोनों रेड है तो इनको मिलाना है, तो ये ब्लू करनी पड़ेगी, और इन दोनों को मिलाना है तो ये भी ब्लू करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों रेड होगी। और देखो फिर देखो अपन और क्या करते हैं, फिर जो जो अभी तक पॉसिबल है उनको मिला देते हैं। यहां पे रेड, ये दोनों ब्लू है यानी इसको रेड से मिलाना पड़ेगा। ये ट्राइंगल भी पॉसिबल है। अब देखो यहां पे इन दोनों को मिलाना है अपने को, रेड से मिलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पहले से ब्लू है तो ये वाली रेड होनी चाहिए। अब देखो और किसको मिलाना बाकी रह गया, एक इसको मिलाना बाकी रह गया। तो इसको किससे मिलाए, अगर रेड से मिला दोगे तब तो ये वाला ट्रायंगल, और अगर ब्लू से मिलाओगे, इसको ब्लू से मिलाओगे तो ये साइड भी ब्लू, ये साइड भी ब्लू हो जाएगी, और ये साइड भी ब्लू। यानी किसी भी केस में या इसको चाहे रेड बनाओ चाहे ब्लू बनाओ, एक ट्रायंगल ऐसा मिल जाएगा जिसमें तीनों साइड या तो ब्लू कलर की होगी या फिर रेड कलर की होगी। तो तीनों साइड कॉन्जुगेटिव भी अपन नहीं रख सकते। एक केस ऐसा पॉसिबल है जिसमें अपन क्या कर लेते हैं, तीनों साइड को कॉन्जुगेटिव रेड नहीं रखते। मैं ऐसे कर लेता हूं, ये साइड रेड, ये दोनों रेड कर ली, अब ये वाली को एक रेड रख दिया, बाकी दोनों को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। इन दोनों को ब्लू कर दिया, तो देखो ये रेड है, ये रेड है, इसको ब्लू से मिलाना पड़ेगा 100%। और देखो और किसको ब्लू से मिलाना है, रेड से मिलाना है। अच्छा यहां पे इसको मिलाओगे तो ये रेड होनी चाहिए, तो ये रेड कर देते हैं। किसको, इसको रेड से मिला देना, और इसको भी रेड रखना पड़ेगा, ये ब्लू और ब्लू है तो ये रेड होगी। और देखो
अब ध्यान से देखो, ये साइड रेड है और ये साइड ब्लू है, तो इसको किससे मिलाएंगे अपन? ब्लू से मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रेड है, तो इसको ब्लू से मिलाना पड़ेगा, तो यहां पे ब्लू लेके आते हैं। ये रेड रेड और ये ब्लू, और देखो यहां पे ये रेड है, तो इसको फिर किससे मिलाना पड़ेगा? ब्लू से। तो ऐसा कोई ट्राइंगल अपने को मिलता हुआ दिख नहीं रहा जिसके तीनों साइड सेम कलर की। यहां पे देखो, अगर दो लाइंस को अगर रेड रखिए और एक यहां पे क्या कर दिया अपन ने, यहां पे रेड लिया, कॉन्जुगेटिव तीनों नहीं रखी, तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है अपने पास में? एक ऐसा सेटअप पॉसिबल है, यानी एक सेटअप इसमें पॉसिबल है। बट अभी तो अपन ने इसमें एक ही केस लिया है, ये पांचों साइड की लेंथ अलग अलग हो सकती है, तो कलर सेम है, लेंथ अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पांच साइड है, तीन सेम कलर की है तो 3 factorial, और दो सेम कलर के तो 2 factorial। और दूसरी चीज, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है तो इससे 1/2 कर देंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बराबर होंगे, तो यहां से अपने को ये मिल गया कितना, 5, 4, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 केस पॉसिबल है, अगर 3 red और 2 blue लेते हो तो ये 5 केस पॉसिबल है। तो 5 में से अपन ने क्या कर दिया, इसको ऐसे ही 5, अगर 3 blue और 2 red ली तो हो जाएंगे, तो 5 और 2 ये टोटल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 यहां से मिले, 2 यहां से मिले, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 10+2 यानी 12। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना रहेगा, 12 रहेगा। नेक्स्ट अपन देखते क्वेश्चन नंबर 20। ऑन ए नेचुरल नंबर n, यू आर अलाउड टू ऑपरेशन, मल्टीप्लाई n बाई 2 और सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम n। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग विथ 8 यू कैन रीच 13 एज फॉलो। 13 कैसे पहुंच सकते हो आप, 8 × 2 = 16 और 16 − 3 तो 13। उसके अलावा कोई ऑपरेशन कर नहीं सकते। यू नीड 2 step एंड यू कैन नॉट डू इन लेस देन 2 step। दो स्टेप तो करनी करनी है और 2 से कम कर नहीं सकते। स्टार्टिंग फ्रॉम 11 से स्टार्ट करना, आपको 121 पे पहुंचना है। तो 11 से देखो, 121 कोई मल्टीपल तो है नहीं, और इवन मल्टीपल तो वैसे भी नहीं है, तो अपन डबल तो कर नहीं सकते डायरेक्ट। तो अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसा सेटअप करते कि कई बार तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़े और कई बार प्लस करना पड़े। तो 11 में से मैंने क्या किया, एक बार के लिए तो माइनस कर दिया कितना, 3। तो ये कितना आया, 8। चलो 8 माइनस किया तो 8 का डबल 16 होगा, तो उसमें भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लग नहीं रही। तो एक बार मैं और माइनस करता हूं इसमें से, ये कितना आ गया, 5 को अगर डबल कर दे तो कितना आएगा, 10 को भी डबल कर दूं तो कितना आएगा, 20 में से मैं माइनस कर रहा हूं 3, तो ये आएगा 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ रहा है, 34 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 68 में से 3 माइनस कर देंगे 2 बार। 34 में से एक बार के लिए मैंने और माइनस कर दिया, 34 − 3 तो ये हो जाएगा 31। 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 62, और 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 124, और 124 में से अपन अगर 3 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 121। अच्छा, अपन ने स्टार्ट उससे किया है -3 करके। इसके अलावा अगर और कोई केस देखते हैं अपन, तो एक बार के लिए 11 × 2, ये दो ऑपरेशन कर सकते हैं। 11 × 2 कितना हो जाता है, 22। 22 में से अगर अपन माइनस कर दे या फिर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस कर दो 3, तो ये कितना आ जाएगा, 19, और फिर 19 से माइनस करोगे तो ये तो अजीब से बन जाएंगे नंबर, क्योंकि 121 तक पहुंचना है अपने को, और मिनिमम जो अपने को लग रहा है तो 10। चलो एक आधा स्टेप और कर लेते हैं, 19 × 2 कितना होता है, 38। मिनिमम स्टेप में अगर देखा जाए तो यहाँ तक बढ़ते जाएंगे अपन, है ना, मिलेगा नहीं 120 में। तो मिनिमम स्टेप कितने चाहिए, यहाँ पे 10 स्टेप चाहिए। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी चेक किए मैंने, तो मिनिमम जो 10 स्टेप में ये हो रहा है,
तो ये इसी केस में पॉसिबल। और अपन ने सोचा वैसे उल्टा है इसका कि अपन ने 121 लिया है, तो 121 किसी के डबल में से माइनस किया होगा, यानी ऑड नंबर है 3 माइनस किया होगा तो कितना आया। इस तरह से सोचा कि 121 में अगर मैं ऐड कर देता हूँ 3 तो कितना आएगा 124। इसका हाफ कर सकते हैं, तो हाफ करोगे तो 124 में 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 62। अब 62 भी क्या है, इवन नंबर है, तो 62 में क्या करना है अपने को, 2 से डिवाइड कर दो, फिर से एक बार चेक करना है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 31। और 31 में क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे, क्योंकि 31 का फिर हाफ तो कर नहीं सकते, सीधी सी बात है, तो 31 का हाफ नहीं कर सकते तो अपन क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे 3, 34 में से माइनस 34 तो ये 34 आ गया। तो 34 का क्या कर सकते हैं अपन, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दिया था वापस, उल्टा सोचना है ना, तो ये आ जाएगा 17। और 17 कहां से आया होगा कि 20 में से कुछ माइनस किया होगा, तो 3 ऐड करोगे तो ये 20, और 20 का फिर से हाफ कर सकते हैं तो ये कितना आएगा अपने पास में 10, और 10 का फिर से हाफ कर सकते हैं, इवन नंबर है ना, तो ये आएगा 5, और 5 इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो 5 में क्या करना है अपने को 3 ऐड, तो ये 8 बन गया। अब 8 तो आ रहा है, अपने को 11 बनाना है, तो 8 कब आया होगा, जब 8 में क्या ऐड किया होगा अपन ने, 3 ऐड किया होगा, 11, 121 से अपन पहले क्या पहुंचे थे, 11 पे पहुंचे थे, और ये उल्टे स्टेप सीधे स्टेप कर दिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, मिनिमम 10 स्टेप्स अपने को रिक्वायर्ड है, आंसर कितना हो जाएगा 10। हेलो बच्चों, हाउ आर यू, आई एम अमित कुमार, टीम मैथमेटिक्स सीएलसी सीकर। तो बच्चे अभी तक आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कस हो चुके हैं, अब अपन क्वेश्चन नंबर 21 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एन इंटीजर एन इज सच दैट दिस इज अ 3-digit नंबर विथ इक्वल डिजिट, मतलब इसकी जो वैल्यू अपना निकल के आ रही है वो क्या है, 111, 222, 333, डॉट 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 अप टू 999, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है ना इक्वल डिजिट है। ओके, अब क्या है, बोल रहा है एन माइनस 172 बाई 4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इज ए 4-digit नंबर विद द डिजिट 2024 इन सम ऑर्डर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाई 100। अब एक चीज देखो, इसकी जो वैल्यू है 4-digit का है और वो इससे फॉर्म होता है। ओके, तो इसका मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो फॉर्म होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 2024 होगा, उसके बाद जो नंबर होगा क्या होगा 2042, इसके बाद अगर मैं नंबर की बात करूं तो 2204, इस तरीके से अपना चलेगा। ठीक है, अब अपन सपोज करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसको कंसिडर करते हुए इसके इक्वल में करते हैं, तो अगर मैं ये लेता हूं एन माइनस 172 अपॉन 4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2024 अगर लेते हैं, फिर इसके इनइक्वालिटी को लिखते हैं 172 बाय 4, दिस विल बी लेस देन 2025 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2024। ठीक है, अब यहां से 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और फिर 172 सब में ऐड कर देंगे, तब जो आपका एन निकल के जो आ रहा है वो आ रहा है 8272, इससे छोटा है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8268, ये हो गई 2024 के लिए। सिमिलरली अब एक बार इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, 1/72/4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर 2042 कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब n माइनस 172/4 ये क्या होगा 2043 से छोटा होगा, और 2024 42, ठीक है, इसके इक्वल होगा, इससे बड़ा या बराबर होगा और इससे छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ फिर से 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सभी में 172 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से जो आपके n की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 8344, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8340। ठीक है, ये दो कंडीशन सॉल्व कर लिए, अब देखो एक बार अपन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये अगर 2204 होता है, इट मींस n माइनस 172 अपॉन 4
दिस इज लेस देन 2205 एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2204। अब यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और सभी में 172 ऐड कर देंगे तो n का जो वैल्यू और लिमिटेशन आएगा वो आएगा 8992 से छोटा है और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8988। चलो अब इतना अपन रहने देते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या बोल रहा है, एन इंटीजर एन इज सच दैट दिस इज अ 3 डिजिट नंबर विथ इक्वल डिजिट। ओके, अब देखो एन के बारे में अपने को ऑलरेडी पता है कहां से कहां तक हो सकता है। अब अपन डायरेक्टली सपोज करते, देखो यहां पे 9 है, जब हम इसके ओपन करेंगे तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट से, जब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो 9 को जब 111 से करेंगे तो क्या होगा 999, जो कि इससे बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम डायरेक्टली कंसिडर करते हैं 888 को, ठीक है। तो n by 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर हम 888 कंसिडर करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, n by 9 इज लेस देन 889 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 888, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। अब इससे 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n क्या हो जाएगा, 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप तो दैट विल बी 8001 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7992, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो अपना n पहले से पता है इससे तो बड़ा है क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिए थे हम इसका, ठीक है। तो जब हम 888 लिए हैं तो उस कंडीशन में n की मैक्सिमम वैल्यू 8001 आया, इट मीन्स 88 तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अब अपने पास एक ही बच चुका है, n बाई 9 अगर हम 999 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, n बाई 9 इज लेस देन 99100 है ना, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 999, ठीक है, समझ में आ रही है। ओके, अब 9 से अपन इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके जो मल्टीप्लीकेशन आ रहे हैं अपने क्या आ रहे, 8991 लेस देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 9000, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, जो अपन देख रहे हैं 8991, ये तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हुआ n का जो 8001 से बड़ा है जब हम नेक्स्ट कंडीशन को लिए, और 8991 ये इससे बड़ा है। अच्छा, अपना ये कंडीशन देखो आप, जब अपन ये लिए हैं 2204, किसकी वैल्यू, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ओके। तो ये 8992 से क्या है, छोटा है, और ये बोल रहा है 8991 से बड़ा है या बराबर है। तो देखो ना, 8992 से छोटा कौन सा नंबर होगा, यही तो होगा 8991, ठीक है, और n इसके इक्वल है भी, इट मींस अपना जो नंबर है ना, एन इंटीजर n, ठीक है ना, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ n। तो इससे ये पता चला जो n की वैल्यू जो 8992 से छोटा है और इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इसकी मिनिमम वैल्यू जो है 8991 है, तो 8992 से छोटा ये नंबर हो गया आपका, ठीक है। तो n कितना हो गया, 8991, ओके। अब इसको अपने को क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा, 91। तो इसके जो रिजल्ट आ जाएंगे डियर आपके 91 आ गए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से है, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बीएसी इज 90 डिग्री, ठीक है, बीएसी 90 डिग्री। इसका मतलब ये तो पता चल गया अपने को, जो ए पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो ए यहां पे मान लेते हैं, ओके, और बी यहां पे, सी यहां पे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। एंड लेट डी बी द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो डी कोई पॉइंट मान लेते हैं, और एक ये भी कंडीशन दिया है आपका, सपोज बी डी रेशियो डी सी इज 2:1, ठीक है,
तो डी अपन यहां पे मान लेते हैं, ओके, तो 2:1 हो जाएगा, ये कोई पॉइंट हो गया, ठीक है। अब 2:1 है तो इसको अपन ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, इफ इट इज 2x देन इट इज x, क्लियर, ओके। अब बोल रहा है एक कंडीशन, जो ab plus bt equal to ac plus cd, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो इसमें किसी एक को आप y सपोज कर सकते हो, ठीक है, इसको अगर हम कंसीडर करते हैं y, ओके, तो ac को x और y के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो ab कितना है, ab दैट इज y प्लस bd कितना है, दैट इज 2x इक्वल टू ac, ac को ac रहने दो क्योंकि अपन वेरिएबल ज्यादा बढ़ा नहीं रहे, और cd, cd कितना है, x। तो इससे क्या पता चला, अगर ac निकालते हैं अपन तो x उधर चला गया, तो y 2x माइनस x दैट इज x, तो ये ओवरऑल अपना आ गया x प्लस y, ओके, इतना क्लियर है। अब देखो इस ट्रायंगल ABC में हाइपोटेनस कितना है, BC, तो BC का स्क्वायर जो होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल है, AB के स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ओके। अब BC कितना है, 2x प्लस x दैट इज 3x, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB कितना है, y, तो y का स्क्वायर, और AC कितना है, x प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर दोगे, x प्लस y का होल स्क्वायर, और इसको लेफ्ट साइड ले आओगे, तो 9x स्क्वायर इसका और इसका x स्क्वायर इधर आके माइनस हुआ, तो कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर, और फिर इसका प्लस y स्क्वायर हो और ये y स्क्वायर, दोनों मिलके कितना हो गया, 2y स्क्वायर, वो इधर आया, तो कितना आ गया, 2y स्क्वायर। अब यहां से 2ab में 2xy आया होगा, तो वो इधर आकर के क्या हो गया, माइनस 2xy दैट इज इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन लेके हम फिनिश कर सकते हैं, तो ये कितना आ गया, 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस xy इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, y स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया और इससे स्क्वायर कैंसिल, तो ये जो अपना बन के आ रहा है 4x by y इसका होल स्क्वायर माइनस 1, ओके, और ये कितना आ रहा है, माइनस का x by y इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब हम यहां पे थोड़ा इसको सॉल्व करने के लिए x by y को t सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 4t स्क्वायर, और इसको माइनस t को इधर लग देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे श्रीधराचार्य रूल अप्लाई देते हैं, तो माइनस 1 मतलब प्लस 1 हो जाएगा माइनस b, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac कितना हो जाएगा, प्लस का 16 अपॉन 2a, 24 जा 8, तो ये आया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 17 अपॉन 8। अब नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि x by y जो कि लेंथ है तो उसको हम नेगेटिव कैसे ले सकते हैं, तो t का वैल्यू, ठीक है, अपन कंसीडर करके चलेंगे 1 प्लस रूट 17 by 8, ओके। अब आपको निकालना क्या है वो देखो, ये बोला है क्वेश्चन में ac by ab ये है m प्लस रूट p by n। अब आप ac को देखो, तो ac by ab अपने को निकालना है, तो ac कितना है, x plus y, और ab कितना है, y। अगर हम इसको सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें, तो इट बिकम्स x by y plus 1, और x by y इसी को तो हम t सपोज किए थे, ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 plus root under 17 by 8 plus 1। अब इसमें LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 प्लस रूट अंडर 17, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इससे इसको कंपेयर करना है,
तो आप गौर करके देखो, M के पोजीशन पे क्या है 9, P के पोजीशन पे 17 एंड N के पोजीशन पे क्या है 8। तो अपने को इसी को तो ऐड करना था, तो M कितना हो गया 9 प्लस N कितना हो गया 8 प्लस P कितना है 17। तो 9 8 17 इंटू 17 प्लस 17 दैट इज ये कितना हो जाएगा आपका 34। ओके, तो दैट दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23, consider the 14 number this, the smallest natural number n such that they leave distinct remainder when divided by n। तो देखो यहाँ पे remainder पे अपने को काम करना है। अब थोड़ा देर के लिए आप ये सोचो, यहाँ पे distinct remainder की बात कर रहा है, ठीक है। अब distinct remainder अलग अलग, अब हम थोड़ा सा ये सोचते हैं, आप ये consider करो जैसे 7 है, अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 6 रिमाइंडर कितना आया 1, और अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं 2 को तो 2 5 10 ये कितना आया 1। तो इसका मतलब अगर हम 7 माइनस 11 करें ना, या 11 माइनस 7 दैट इज 4, तो उस कंडीशन में उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। 11 माइनस 7 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाए। तो ये तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अपन ये कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करेंगे। ठीक है, अब ये सोचते हैं जब हम x4 को है ना, अपन जैसे 1 to the power 4 2 to the power 4, और अपने को कहां तक लेना है मैक्सिमम 14 तक। हम ऐसा करते हैं, सोचते हैं जो x की वैल्यू इसी 1 से 14 के बीच में कुछ ना कुछ होगी, और x to the power 4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो सपोज करते हैं रिमाइंडर मान लो ए आया, ठीक है, और y to the power 4 को भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ए आया। अब देखो अपने को उस कॉन्सेप्ट पे काम करना है जिसमें कि डिस्टिंक्ट रिमाइंडर आए, और हम क्या कर रहे हैं अभी सपोज कर लिए जो सेम रिमाइंडर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, जब x4 माइनस y4 इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ओके, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे ओवरऑल अपन n से। तो देखो अब इसके लिए अपन सोचते हैं, ये क्या लिख सकते हैं x² - y² फैक्टराइज कर दिए x² + y²। अब x² - y² को आप क्या लिख सकते हो x - y x + y x² + y², ठीक है, मतलब दो नंबर का कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी फैक्टर अपने को दो नंबर को लेने के बाद आता है तो उस n को अपन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एक चीज देखो, अगर अपन 1 और 2 कंसीडर करते हैं, 1 और 2 1 एंड 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, इसका मतलब सेम रिमाइंडर देगा 1 और 2 पे। इसी तरह से अपन 2 3 के लिए सोच सकते हैं, 3 4 के लिए सोच सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर लेंगे। तो जो सबसे बड़ा नंबर ले सकते हैं अपन x और y के कंडीशन में, तो वो ले सकते हैं 13 + 14 विच इज इक्वल टू 27। तो 27 से पहले तो अपन कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो x प्लस वाई के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या देगा रिमाइंडर 0। तो अपने को क्या चाहिए डिस्टिंक्ट रिमाइंडर, इसलिए 27 तक तो कंसिडर कर नहीं सकते। अब इससे आगे चलते हैं, जैसे 28 ले लिए। अब 28 को फैक्टराइज करते हैं, बहुत सारे फैक्टर है, जिसमें सबसे पहले अपन ये लिखते हैं 2 और 14। अगर हम x - y को 2 कर दें, x + y को 14 कर दें, अगर पॉसिबल है, इट मीन्स ये n का वैल्यू 28 नहीं ले सकते, अदरवाइज रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसके लिए देखो, अगर हम x का वैल्यू 8 ले लें सोचो, और y का वैल्यू 6 ले लें, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 8 - 6 2, और 8 + 6 क्या हो जाएगा 14, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 28। तो उस कंडीशन में अपन n का वैल्यू 28 भी नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज दो नंबर का जो रिमाइंडर आएगा वो सेम हो जाएगा। अब अपन अगर बात करते हैं 29, तो इसी किसी तीन फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। देखो 29 तो एक प्राइम नंबर है, इसको फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, तो इस दोनों में तो अपन जाएंगे नहीं, इसमें सोचेंगे 29 में अगर स्क्वायर की बात करें तो 25 + 4 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का
अब 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29, और इसको अपन लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 अगर ले लेंगे तो सेम रिमाइंडर आ जाएगा, तो 29 भी इस तरह से अपन नहीं ले सकते। रही बात 30 की, ठीक है, तो इसको अगर अपन 2 इंटू 15 कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं, ठीक है, और ठीक है, और इसके बाद क्या कर सकते हैं 3 इंटू 10 भी कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, अगर अपन x का वैल्यू 8 लें, ठीक, और y का वैल्यू 2, आप गौर करके देखो 8 प्लस 2 कितना होगा 10, ठीक, और 8 माइनस 2 कितना होगा 6, तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60, तो 60 जो होगा, जैसे इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 60, तो वो तो 30 से डिविजिबल है, मतलब क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0, तो सेम रिमाइंडर देगा x इक्वल टू 8 एंड y 2 पे, ठीक है। अब देखो अगर हम 31 लेते हैं, ठीक है, अब इसको दो पार्ट में आप किसी भी फॉर्म में x और y को कंसीडर करके इसको आप फैक्टर के फॉर्म में न कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आ जाएगा अपना 31, दिस विल बी द आंसर, ओके? तो इसमें जस्ट आपको सब्स्टिट्यूट करके चेक करना ही पड़ेगा। हाँ, ये इसमें एक लॉजिक था जो आप डायरेक्टली 27 तक पहुंचते और उसके बाद आपको 3-4 नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द सेट एफ ऑफ ऑल पॉलिनोमियल व्हिच कोएफिशिएंट आर इन द सेट ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। अब ये जो एफ है ना, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें इसके कोएफिशिएंट या तो 0 होंगे या तो 1। कंसीडर करो जैसे अपन एक्स स्क्वायर लेते हैं और इसका कोएफिशिएंट 2 ले, मींस इसको कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, कोएफिशिएंट मस्ट बी इधर 0 और 1। चलो ये तो एफ की बात हो गई। अब लेट क्यू एक्स ये अपना गिवन है, ठीक है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, मतलब ऐसे कितने पॉलिनोमियल पी एक्स पॉसिबल है, ठीक है, इन एफ ऑफ डिग्री 14, मतलब पी एक्स की डिग्री अपने को डिफाइन कर दिया, डिफाइन हो गया, डिग्री विल बी 14, है ना, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज ऑल्सो इन एफ, मतलब पी एक्स इंटू क्यू एक्स ये भी एफ में होगा। अब एक चीज देखो, एफ के लिए अपन पहले ही पता कर चुके हैं, क्या पता किए हैं, जो इसका कोफिशियंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। चलो अब अपन पी एक्स की अगर बात करें तो पी एक्स कुछ इस तरह से होगा, x टू द पावर 14 प्लस x पावर 13, कुछ इस तरह से अपन कंसीडर करके चल सकते हैं, है ना, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स की बात अपन कर रहे हैं, और क्यू एक्स कितना है अपना एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1, ये है, ठीक। अब देखो अगर मैं पी एक्स को ओनली एक्स टू द पावर 14 कंसिडर करता हूँ, एक्स टू द पावर 14 ओनली, तो इसको जब हम इससे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशियंट जो होगा 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो एक तो पी एक्स अपन इसी को कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किए। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, पी एक्स हम ये सपोज कर लेते हैं एक्स टू द पावर 14 और प्लस एक्स टू द पावर 1 सपोज कर लिए अल्फा, ठीक है, अब अपने को अल्फा इस तरह से चूज करने हैं जिससे कि x टू द पावर 14 x पावर 13 जो भी आए उसका कोफिशियंट 1 ही आए या एब्सेंट हो, मींस 0 हो। अब देखो आप x टू द पावर 14 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, x टू द पावर 14 आएगा, वैसे इसको मैक्सिमम डिग्री कितना हो जाएगा 17, लेकिन इसका मिनिमम क्या होगा, x पावर 14 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 14। अब अल्फा की वैल्यू इस तरह से लेना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे 14 तो नहीं आए क्योंकि दोबारा x पावर 14 आ जाएगा, मतलब दोनों ऐड होकर के 2 इंटू x पावर 14 हो जाएगा, इट मींस अपना वैलिड तो हो ही गया नहीं क्योंकि f में जो भी पॉलिनोमियल है उसके कोफिशियंट क्या है 0 या 1। अब देखो अल्फा की वैल्यू ये 3 है और ये 14 पहले से पता है अपने को, डिग्री 4 है 14 है, अच्छा अल्फा की वैल्यू अगर हम 11 लेते हैं, सोचो थोड़ा देर के लिए,
तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 14 आ जाएगा, और ये 14 इससे मल्टीप्लाई होकर 14, तो 2 इंटू एक्स पावर 14 आया। इसलिए अल्फा का वैल्यू 11 तो अपन ले नहीं सकते, तो एक्स पावर 14 इंटू 1 एक्स पावर 14 हुआ, उससे कम ही लेना है। तो अल्फा का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 3 तो पहले से है, तो इसमें क्या करें, 10 प्लस 3 13 जो कि 14 से कम होगा, तो अल्फा का वैल्यू अपने को मैक्सिमम क्या ले सकते हो, 10। ठीक है, तो 10 9 8 से लेकर के आप 0 तक ले सकते हो, तो 10 से लेकर के 0 तक कितने हो जाएंगे, 10 से 1 तक 10 और 0, टोटल कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा, 11। मतलब px जब दो टर्म वाला पॉलिनोमियल बनेगा तो उसमें टोटल 11 होंगे, डिफरेंट 11 डिफरेंट पॉलिनोमियल पॉसिबल है। अब कंसीडर करते हैं px इक्वल टू x टू द पावर 14 प्लस x टू द पावर अल्फा प्लस x टू द पावर बीटा। ठीक है, अल्फा अपने को पहले ही ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, इस चीज को माइंड में लेकर चलना है। तो अल्फा का वैल्यू अगर हम 10 लिए, ठीक, तो बीटा का वैल्यू क्या ले सकते हैं, अब गौर करके देखो, अगर अल्फा 10 लिए, ठीक, तो x के पावर 10 क्या आ गया, x पावर 10 आ गया, और इसको अपन 1 से मल्टीप्लाई किए तो x के पावर 10 मतलब मिनिमम है 10, तो x पावर बीटा, बीटा को हम क्या लें जिससे कि मिनिमम 10 से छोटा है, अगर 7 ले तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10, तो कोफिशिएंट फिर 1 नहीं रहेगा, इसीलिए बीटा का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, अगर हम सिमिलरली अल्फा का वैल्यू 9 लें, अगर ये 9 लेते हैं तो अल्फा टू द पावर 9 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा के पावर 9, इसका मतलब बीटा को इस तरह से लेंगे जो इस दोनों का सम 9 तो नहीं हो, तो इसका मतलब बीटा को क्या लेना पड़ेगा अपने को, 5 5 प्लस 3 8, तो 5 4 3 2 1 0। इस तरह से अल्फा का वैल्यू अगर अपन 8 लेंगे, सिमिलरली इसको अपन चेक करेंगे, तो इससे जो टोटल कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है डियर आपका 28। ठीक है, अब आपको लास्ट एक पॉलिनोमियल कंसीडर करना पड़ेगा, ये x पावर 14 x के पावर अल्फा x के पावर बीटा x के पावर गामा। देखो अल्फा का वैल्यू 10 9 8 ये जो लिया हो ना आप, ये कहाँ पे तक कंसीडर कर पाओगे, ये जाएगा आपको अल्फा का वैल्यू 4 तक कंसीडर करके। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा का वैल्यू 10 लेंगे, बीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 6। अब यहाँ पे सोचेंगे गामा का वैल्यू क्या ले सकते हैं। ठीक है, जैसे बीटा का वैल्यू 6 लिए तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9, और जब 6 को 1 से करेंगे, x पावर 6 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x पावर 6, तो अपने को गामा इस तरह से लेना है जो 6 नहीं आए, तो ये 3 है तो ये 3 नहीं हो सकता, तो क्या क्या हो सकता है, 2 1 0, इस तरह से अपना एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो टोटल इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे एक 6। ठीक है, और इस तरह से आपको इस तरह से अल्फा बीटा गामा का टोटल कॉम्बिनेशन बन, जैसे अल्फा 10 फिर अल्फा 9 फिर अल्फा 8 इस तरह से जाएंगे, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है डियर आपका वो आ रहा है 15। जैसे क्या करेंगे, इस सब को ऐड करेंगे, 1 प्लस 11 प्लस 28 56, और फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा देखो, एक आएगा 3 दूसरे आएगा 1, इस सब को अपने को ऐड कर देना। ओके, थोड़ा सा आपको ये टाइम कंज्यूम कर सकता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। 25, अ फाइनाइट सेट m ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट परफेक्ट स्क्वायर एंड द नंबर 92, द एवरेज ऑफ द नंबर इन m इज 85, इफ वी रिमूव 92 फ्रॉम m द एवरेज ड्रॉप्स टू 84, इफ n स्क्वायर इज द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इन m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। देखो ये अपन इजी के कैटेगरी में कर सकते थे, बस एक बार जो है ना अपने को लास्ट में कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। अब आप देखो, अ फाइनाइट सेट m ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट परफेक्ट स्क्वायर एंड द नंबर 92। अब अपने को ये तो पता ही नहीं है जो कितने नंबर कंसीडर कर रहे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं n नंबर कंसीडर कर दिए, तो ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर डॉट 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 ए एन स्क्वायर। ठीक है, ये तो n नंबर हो गए, और उसमें क्या करना है, एंड द नंबर 92, इसका जो मीन निकालते हैं तो ये कितना आता है, 85। ठीक है, ओके, तो इसका मीन निकालने के लिए देखो, n तो ये हो गया प्लस 1, तो कितना आ गया, n प्लस 1 विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 85। ठीक है,
If we remove 92 from M, the average drops to 84. So 92 इसमें से रिमूव कर देंगे अगर, तो एवरेज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, वो कितना हो जाता है 84. इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 84N. अब ये वैल्यू 84N आप यहां पे पुट कर सकते हो, तो कितना आएगा देखो 84N प्लस 92 इक्वल टू, इसको आप 85 से मल्टीप्लाई कर दो, 85N प्लस 85, इसको इधर कर दो तो 85 में से 84 चला जाएगा, कितना बचा N, और 85 को इधर कर दो तो 92 माइनस 85 दैट विल बी 7. अब ये तो पता चल गया अपने को जो टोटल जो स्क्वायर ऑफ नंबर्स है वो कितने हैं 7. मीन्स कुछ इस तरह से है, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए सेवन का स्क्वायर इतना है, ठीक है. अब बोल रहा है इफ एन स्क्वायर इज द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इन एम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है. अब देखो अगर हम इस सब की बात करें, अगर सेवन तक बात करें तो ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए एन स्क्वायर मतलब ए सेवन स्क्वायर, तो अगर इस सब का सम निकालें अपन तो एन का वैल्यू अपन क्या यूज कर सकते हैं, सेवन, ठीक है. तो सेवन इंटू 84 ये जो अपना निकल के आएगा कितना आएगा, 4 7 28 8 7 56 प्लस 258 ये आएगा. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा. अब ये बोल रहा है जो लार्जेस्ट नंबर है, मान लो ए सेवन मान लेंगे उसको लार्जेस्ट नंबर, इसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है, ठीक है. अब ये बोल दिया है, इसमें ये भी बोला है इंटीजर कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी को भी हम सेम तो ले नहीं सकते, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर लेना है मतलब वन से लेना है, तो हम जो सबसे छोटा छ है वन से लेके सिक्स तक उसके स्क्वायर को हम देखते हैं, वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर डॉट 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 सिक्स स्क्वायर और प्लस ए सेवन स्क्वायर अपन ले लेते हैं, वो किसके इक्वल हम सपोज कर दें 588. अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए. अब देखो इसके जो सम आ रहे हैं, ठीक है, यहां से जो आप निकालोगे ए सेवन का स्क्वायर इसको ऐड करके 588 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 497, और 497 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं. अब हम थोड़ा सा सोचते हैं जो 497 के आसपास में कोई ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है, तो देखो वो है 484. एक्चुअल में ये नंबर है जो किसका स्क्वायर होता है 22 का, ठीक. तो 484 से ये कितना ज्यादा है, गौर करके देखो 484 से ये कितना ज्यादा है, तो 7 माइनस 4 क्या कर देंगे 3 और 9 माइनस 8 क्या कर देंगे 1 13. इसका मतलब इसमें अपने को 13 बढ़ाना है. अब थोड़ा देर के लिए सोचते हैं अगर ये 6 स्क्वायर लिए ये कितना है 36. अगर हम 6 स्क्वायर ना लेकर के 1 2 3 4 5 और 6 के बदले अगर हम 7 ले लेते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कितना है 13, मतलब इसके बीच में गैप कितना है 13, और अपने को 13 ही रिड्यूस करना है. तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 5 स्क्वायर और यहाँ पे 6 स्क्वायर ना लेकर के 7 स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस ए सेवन का स्क्वायर ये क्या कर देते हैं 588. यहाँ से आपका ए सेवन स्क्वायर निकल जाएगा 484, ठीक है. अब इससे आप डायरेक्टली ए सेवन लिख सकते हो दैट विल बी इक्वल टू 22, और अपने को वही तो निकालना था एन स्क्वायर इज द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर ऑफ एम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, तो एन क्या है 22 क्योंकि उसका स्क्वायर ही 484 है, ठीक है दियर. तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार यहाँ पे चेक करना था जो कितना से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ओके. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर ऑल रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस. अब एक चीज देखो इसमें अगर अपन केस जनरली क्रिएट करने लगे तो बहुत सारे केस अपन डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सारे इनइक्वालिटी बन जाएगी, इसलिए इसको अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से और ग्राफिकल अप्रोच से बढ़ते हैं, ओके. तो देखो ये एक्चुअली एक्स क्यू इसमें है,
ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं, जो XQ का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, और अगर क्वाड्रेटिक का स्क्वायर का ग्राफ होता है तो कुछ इस तरह से, मतलब ये स्ट्रेच होता है पैराबोला में जब करते हैं तो ये थोड़ा स्ट्रेच, और क्यूबिक थोड़ा क्या होता है स्मूथली मूव करता है, ठीक है। तो इस चीज को अपन थोड़ा सा माइंड में लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यू है ना, ये कभी भी लेस देन इक्वल टू एक्स क्यू होगा, ओके। अब अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 16 प्लस 15x प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स क्यू होगा, ठीक। इस इनइक्वालिटी को हम रिजॉल्व करके ग्राफ डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब इस सब को लेफ्ट राइट साइड ले चलो, तो एक्स क्यू माइनस 15x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एक चीज आप देखो यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा आई क्यू ये लगाना था, जो अगर हम x का वैल्यू 16 पुट करें, देखो यहाँ पे तो सभी में 16 16 16 आ जाएगा। जस्ट एज्यूम करके अपन थोड़ा सा चलते हैं, 16 पुट किए तो 16 16 16 आ गया। तो अगर हम 16 कॉमन ले लेंगे तो वो क्या आएगा, देखो इसमें तो बचा 1, इसमें बचा कितना 15, और इसमें क्या बचेगा 15 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 16 पुट किए, ठीक है। तो 16 एक तो बाहर निकल गया, बचा कितना 15 इंटू 16। अब ये बना 16, 1 प्लस 15 कितना हो गया 16, और ये हो गया 15 इंटू 16, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 16, इस दोनों में 16 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 15, ये भी हो गया 16। तो एक चीज तो क्लियर हो गया अपना, जो 16 इसका एक फैक्टर होगा। तो जब आप इसको x माइनस 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वोशेंट आएगा कुछ इस तरह से आएगा, है ना, ये आएगा, ठीक है। अब अपन जानते हैं इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि कोफिशियंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। अब x माइनस 16 ये जीरो के इक्वल कब होगा, जब 16 करेंगे, और ये पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x माइनस 16 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पता चला x की वैल्यू 16 से बड़ी और बराबर होगी, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर हम एक्स क्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व बनाते हैं, अब थोड़ा सा सोचो, अगर हम 16 लिए तो इस पे कोई वैल्यू निकल के आएगा उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। 17 पे अगर लेते हैं तो 16 से 17 तक जो कर्व जाएगा इसका कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। 17 से 18 तक कुछ कर्व ऐसा जाएगा, ठीक है, और फिर 18 से 19 के बीच में कुछ कर्व ऐसा जाएगा, ठीक है। अब 16 जो है ना, अब मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी तो 16 जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 16 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है दोनों को, ठीक है, दोनों 16 पर इसका और इसका दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। मतलब ग्राफ जो अगर हम इस क्वाड्रेटिक का देखें तो यहां से चालू होगा और ये कुछ इस तरह से जाएगा और यहां नीचे से निकल जाएगा, और क्योंकि ये क्यूबिक का पोर्शन है तो ये ज्यादा स्मूथली अपन ऊपर की तरफ भगाएंगे, और ये क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला कुछ इस तरह से आएगा। आप 17 से 18 के बीच में आप देख सकते हो, जो 18 पे ये ग्राफ ऊपर है और ये नीचे होगा, ठीक है, और 18 और 19 के बीच में देखोगे ये ग्राफ ऊपर और ये नीचे होगा, और ये हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। अब इतना समझ गए, अब अपने को निकालना है द सम ऑफ दिस फॉर ऑल रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, ठीक है। अब एक 16 तो अपने को पहले ही पता चल चुका है, अब 17 और 18 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो इंटीग्रल वैल्यू की बात करें तो भी इस दोनों में कोई ना कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक 17। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का दो वैल्यू आया,
एक 16 और एक 17. अपने को क्या निकालना है उसका सम. तो 16 प्लस 17 दैट विल बी इक्वल्स टू 33. सो दिस इज योर आंसर. ओके 27. अब देखो इन अ ट्राइंगल ए बी सी अ पॉइंट पी इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज सच दैट दिस इक्वल टू दिस. इस तरह से कुछ कंडीशन दिया आपको. सपोज बी पी सी, एक्चुअली ये बी ए सी है 30 degree एंड ए पी इज 12 एंड लेट डी एफ बी द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म पी ऑन टू बी सी सी ए ए बी रिस्पेक्टिवली इफ एम रूट एन इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी एफ वेयर एम एन आर इंटीजर विद एन प्राइम देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एम एन. अब देखो इस क्वेश्चन को तो एक या तो आप डायरेक्ट एक नॉर्मल ट्राइंगल लेकर के चलो प्रोसीड करो. अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक ये इस्तेमाल करते हैं जो इसमें अपना एक एंगल तो 30 degree दे दिया है बाकी तो पता है नहीं. तो हम ऐसा करते हैं ना इसको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लेते हैं. इसको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लेते हैं. सपोज करो ये 30 degree. तो अगर ये 30 degree है तो ये दोनों कसम प्लस ये तीनों कितना होना चाहिए 180. तो इस दोनों का सम कितना होना चाहिए 150. तो ये कितना हो जाएगा 75 और ये 75. पी कोई पॉइंट हम इस तरह से मानते हैं. ये मान लो पी. ठीक ये हो गया ये हो गया. अब ऐसा करते हैं इसको थीटा मान लेते हैं इसको भी थीटा मान लेते हैं. ओके और ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा. ओके क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360. अब इस चीज को अपन इस कंडीशन में यूज करते हैं. तो अब पहले तो ये करो ए बी सी. ठीक है अब देखो एंगल बी पी सी. बी पी सी कहाँ पे है बी पी सी ये कितना है अपना 360 माइनस 2 थीटा. ठीक है माइनस एंगल बी ए सी. बी ए सी कहाँ है बी ए सी. बी ए सी विच इज इक्वल टू कितना है 30 degree. ठीक है इक्वल टू एंगल सी पी ए. सी पी ए ये कितना है अपना थीटा माइनस सी बी ए. सी बी एंड ए सी बी ए ये कितना है अपना 75 degree. अब देखो माइनस 22 थीटा को उधर भेज दो कितना हो जाएगा अपना 3 थीटा. ठीक है और 360 में से 30 गया कितना हो गया 330 और ये प्लस का 75. तो 3 थीटा कितना आ गया 5 7 3 10 3 1 4. तो थीटा कितना आ गया 3 1 जा 3 1 पे 0 3 3 जा 9 3 5 जा 35. तो थीटा जो अपना निकल के आ रहा है 135. अब इससे क्या पता चला अगर ये थीटा 135 यहाँ पे पुट कर दें तो 360 माइनस 2 इंटू 135 मतलब 270. तो ये कितना हो गया 90. इसका मतलब ये एंगल अपना हो गया 90 और ये 135 हो गया. अब इसका एक सेपरेट एंगल बनाते हैं. ठीक है ए बी सी ये 30 degree है ही और क्योंकि अपने को ये पता चल चुका है ये कितना है 90. ठीक है अब देखो ये पी हो गया और यहां से परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा तो पी से बी सी पे परपेंडिकुलर डालें है ना तो वो कितना है डी. ठीक है और ई किस पे है सी ए पे. सी ए पे क्या है ई. यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो आप ई और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो ये क्या है एफ. ठीक है अब एक चीज देखो क्योंकि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल जो होगा डी ई एफ ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब देखो डियर ये कितना डिग्री है अपना टोटल 30 है तो ये कितना हो गया 15. ओके
और ये कितना होगा, ये 90 होगा, तो ये 90 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये कितना हो गया 75। अब ये 75 और ये टोटल 90, तो ये कितना हो गया 15, ये 15, ये 90, तो ओवरऑल ये कितना हो गया 75। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं 75, इस तरह से 75 15 आ रहा है, ठीक है। अब अपना एपी का जो लेंथ है वो कितना दिया है 12, ठीक है। अब देखो पीई की बात करते हैं, पीई की, ठीक है, पीई ये, तो पीई को अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, पीई कौन सा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर हम पीई की बात करें तो हमें कौन सा एंगल लगाना पड़ेगा, ए पी कॉस 15, ऐसा लिख सकते हैं, ए पी कॉस 15 है, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 75, ये 75 लिख देते, अगर एपी साइन 15 लिख दो, साइन 15 या कॉस 75, कॉस 75, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें, सपोज कर लो ये जी है, तो अगर जीई की बात करें, जीई की, तो वो हो जाएगा पीई कॉस 15, जीई ये है, पीई ये है, इस पे ये 15 है, तो पीई कॉस 15, ये वाला क्या हो जाएगा कॉस, बेस अपन हाइपोटेनस कर देंगे, और जीई पीई का वैल्यू अपन जानते हैं वो क्या है, एपी कॉस 75 एंड ये कॉस 15। अब एपी का वैल्यू दिया है 12, कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं साइन 15, और ये क्या हो गया कॉस 15, 12 में से एक 6 ले लो इधर और एक 2 इधर शिफ्ट कर दो, तो 2 साइन 15 कॉस 15, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 30, एंड साइन 30 इज 1/2, सो 1/2 इनटू 6 दैट इज 3, तो जीई का वैल्यू कितना निकला 3, तो एक चीज समझ जाओ ये 3 निकला तो ये भी 3, ओवरऑल जो इस ट्रायंगल डीईएफ का है वो क्या निकल गया बेस, अगर इसको सपोज करते हैं तो दैट इज 6। अब देखो अपने पास जो भी एंगल है ना वो 15 डिग्री 75 डिग्री या 60 डिग्री के फॉर्म में थे। अब इस ट्रायंगल का जी ई एंड डी इसका यूज करके अपन जी पी एंड जी डी एंड टोटल जो जी डी बोल रहे हैं जी डी का निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल का यूज करके ये निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल यूज करके हम पी डी के पी डी भी निकाल सकते हैं, मतलब आपको ओवरऑल अब क्या करना है पी डी का वैल्यू निकालना है, और एंगल आपको पता है 15 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री, तो आप डायरेक्टली इसके एंगल का जो आपको साइन वैल्यू कॉस वैल्यू होता है वो भी आप जानते हो, तो आराम से इसका निकाल सकते हो, ये आपको इसमें सिर्फ हाइट निकाल, तो इस ट्रायंगल डी ई एफ का जो एरिया निकल के आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ वो निकल के आ रहा है 9√3। अब अपने को इससे कंपेयर करना है ना, एम रूट एन इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एम की वैल्यू कितना हो गया 9, एन कितना हो गया 3, तो एम एन कितना हो जाएगा 9 × 3 दैट इज 27, दिस विल बी योर आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन लेस देन 30, 30 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर अपने को लेना है, सच दैट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, मतलब स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर मतलब ये 2 स्क्वायर से डिवाइड नहीं हो, ये 3 स्क्वायर से डिवाइड नहीं हो, ये 5 स्क्वायर से डिवाइड नहीं हो, इस तरीके से अपने को एन को चूज करना है। अब देखो थोड़ा सा इसके लिए देखते हैं, एन टू द पावर 8 प्लस 3 एन टू द पावर 4 माइनस 4, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, देखो एन 4 को एन टू द पावर 4 को टी मान लो, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 हो जाएगा, तो इसके जो अपने फैक्टर निकल के आएंगे क्या आएंगे, एन टू द पावर 4 माइनस 1 एन टू द पावर 4 प्लस 4, ठीक है, ये आएंगे, सही है, इसको मल्टीप्लाई करो, अब ये आ जाएगा 4 एन टू द पावर 4 माइनस एन पावर 4 3 एन पावर 4, अब इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब एन टू द पावर 4 प्लस 4 में एक बार क्या करते हैं,
टू एन स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर नॉट 2n स्क्वायर ऐड करते हैं और एक बार क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे इसमें दो फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अब इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो, n माइनस वन एन प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस वन ऑलरेडी है, इसको क्या लिख सकते हो आप, एन स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस टू एन का होल स्क्वायर। फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन एन स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी कर दो, एन स्क्वायर प्लस टू प्लस टू एन और एन स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एन, ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या आएगा, एन माइनस वन एन प्लस वन एन स्क्वायर प्लस वन। अब देखो इसमें इस टू को अगर मैं वन प्लस वन लिख दूं तो ये एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और वन प्लस वन में एक वन का यूज किया स्क्वायर में और एक वन बच गया। फिर इसी तरह से एन माइनस वन का होल स्क्वायर कर दिए, एक वन बच गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट अपना कन्वर्ट हो गया फैक्टर के फॉर्म में, जिसमें आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये डिवाइड बाई टू है जो आपको दिया है। अब देखो एन का वैल्यू अपने को 30 से लेना है छोटा, तो एन 30 से जस्ट छोटा कौन नंबर हो सकता है, 29, तो जस्ट हम अपन 29 पे ही थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो अपने को 29 से ही भरना पड़ेगा, 29 लेते हैं। अब 29 लेने से क्या होता है, देखो आप 29 माइनस वन वो कितना हो जाएगा 28 एंड 29 प्लस वन वो कितना हो जाएगा 30। अब ये 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ऑड होगा और उसमें जैसे ही वन ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा, तो ए इस टू को तो हम इसको कैंसिल कर दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप देख रहे हो टू कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी टू कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा टू स्क्वायर, इट मीन्स टू स्क्वायर मतलब किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर से डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब 29 अपन नहीं ले सकते, ठीक है। अब एक चीज इसमें और गौर करने वाली बात है, जब 29 पे ऐसा हो रहा है तो कोई भी ऑड वाला अपन नहीं ले सकते, क्योंकि ऑड वाला में क्या होगा, ये भी इवन देगा, ये भी इवन देगा और ये भी इवन देगा, तो टू तो काट देगा, और यहाँ पे जो भी इवन होगा तो एटलीस्ट टू जो होगा वो दोनों में कॉमन आ जाएगा, और दोनों में जैसे ही कॉमन आएगा तो टू स्क्वायर हो गया, मतलब टू स्क्वायर से ये डिविजिबल होगा। तो इस तरह से 29, 27, 25, 23 इस तरह से आपको ये तो लेने ही नहीं है, ओके। अब 28 पे चेक करते हैं, ठीक है, अब 28 लिए तो 28 माइनस वन कितना हो गया 27 इंटू 28 प्लस वन कितना हो जाएगा 29, ठीक है। अब 28 का स्क्वायर ये, और इसमें क्या करना है, एड प्लस वन, ठीक है, और इसके बाद 28 प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, तो 28 प्लस वन 29 का स्क्वायर करेंगे तो इवन प्लस वन इवन आ जाएगा, और 28 माइनस वन 27 का स्क्वायर करेंगे ऑड, उसका स्क्वायर ऑड प्लस वन क्या हो जाएगा इवन, ठीक है। तो इस तरह से दो इवन आ गए, एक तो कट जाएंगे, तो एक जो है ना इधर से अपन यूज कर सकते हैं, मतलब इसमें जो है ना दो फैक्टर, इसमें जैसे आया 3 9 जा और 3 3 9 3 27, इसमें तो वैसे भी 3 स्क्वायर आ गया भाई, क्यों आगे चेक करें, 3 स्क्वायर तो आ ही गया और ये 2 तो इधर एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक इवन तो आए गए, तो ये 3 स्क्वायर हो गए। इस तरह से अपन 28 नहीं ले सकते। फिर क्या चेक करेंगे 26 पे, फिर 24 पे, इस तरह से आपको चेक करना है। तो आप आएंगे जब 20 लेंगे ना एन का वैल्यू मैक्सिमम, तो एन का वैल्यू 20 लेने पे ये सब के सब जो फैक्टर जब 2 से हम कट करेंगे तो कोई भी प्राइम फैक्टर का स्क्वायर इसमें फॉर्म ही नहीं होगा। तो इस तरह से 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ओके। चलो नेक्स्ट 29, लेट एन इक्वल टू 2 to the power 19 एंड 3 to the power 12, ये अपना दे दिया, ठीक है। लेट एम डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एन स्क्वायर के डिविजर की बात कर रहे हैं, विच आर लेस देन एन बट वुड नॉट डिवाइड एन, व्हाट इज द नंबर फॉर्म बाय टेकिंग द लास्ट टू डिजिट ऑफ एम इन द सेम ऑर्डर, ओके।
अब देखो पीएनसी का एक ये छोटा सा प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, अगर हम नंबर ऑफ डिविजर की बात करते हैं तो आपको पता होगा क्या करते हैं, इसमें पावर में वन से इंक्रीमेंट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 19+1 20 एंड 12+1 13 दैट विल बी 260। तो ये तो नंबर ऑफ डिविजर है। अगर हम प्रॉपर डिविजर की बात करें, क्या बात कर रहे हैं, प्रॉपर डिविजर, तो प्रॉपर डिविजर में क्या होता है, नंबर इटसेल्फ काउंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई 260-1 इट विल 259। ये तो हम बात किए हैं एन का, ओके। लेकिन अपने को चेक करना है किसका, एन स्क्वायर के लिए। तो अब सबसे पहले एन स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 2 के पावर कितना आएगा, 38। 3 के पावर कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अब एन स्क्वायर है तो सबसे छोटा जो नंबर होगा इसको डिवाइड करने वाला वो होगा 1, और सबसे बड़ा जो नंबर होगा क्या होगा, एन स्क्वायर, इसके बीच में जस्ट होगा एन। ठीक है, अब इससे पहले जितने नंबर होंगे ना उतने ही इसके बाद होंगे जो इसको डिवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं अपने को निकालना क्या है, लेट एम ड्यूर द नंबर ऑफ पॉजिटिव एन विच आर लेस देन एन, मतलब एन से तो छोटा लेना है ना, और एन स्क्वायर को डिवाइड करने वाला, मतलब इसको डिवाइड करने वाला एन से छोटा लेना है। तो सबसे पहली बात, तो इसको डिवाइड करने वाला कितने हैं, तो 2 के पावर 32 है, 38 है, तो इसमें क्या कर देंगे, 1 से इंक्रीमेंट 39, 24 में 1 से इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 25। अब इसमें एन को तो अपने को लेना ही नहीं है, लेस देन एन लेना है, इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, -1। अपॉन, अपॉन क्यों कर रहे हैं, देखो एन से बड़ा नहीं लेना है, तो 50% इधर है, 50% इधर, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2। ओके, इतना है समझ में। अब ये जो नंबर है ये एन से छोटे के लिए अपन कर रहे हैं, लेकिन जो एन इसका, इसको डिवाइड करने वाले जो नंबर अपन देख रहे हैं प्रॉपर डिविजर, वो कितने हैं, 250, क्योंकि इसको तो अपने को काउंट करना नहीं है, इसलिए इसको फॉलो करने वाले जो नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं एन का, जो जितने भी डिविजर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को सब्ट्रैक्ट, एक तो इसको ये ले चुके हैं -1 इसके कारण, और एन को डिवाइड करने वाला ओवरऑल है कितने, 259। तो इट मीन्स यहाँ पे 259 आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही आप 259 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो दैट विल बिकम्स 228। ये आया। अब अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर फॉर्म्ड बाय टेकिंग द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एम। ठीक है, एम डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव, तो लास्ट 2 डिजिट कितने हैं, 28। ओके, तो 28 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, 30 देखो, लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल बी इज 90। तो मान लो बी क्या मान लो आप, 90। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बी डी बी इक्वल टू 12। बी डी ये कितना है, ये बी डी हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, बी डी ये ओवरऑल आपके हो गए 12। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ एसी गिवन दैट एसी एंड द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इंटीजर, मतलब एसी की वैल्यू भी इंटीजर आना चाहिए और इस तीनों का सम भी पॉजिटिव, ये इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव तो आएगा ही, ओबीसी बात है, लेंथ की बात है। ओके, अब देखो, अब हम एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, जब हम बी से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या होता है, बी डी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी के इक्वल होता है। अब थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए आप एक्स वाई सपोज कर लो। ओके, तो बी डी स्क्वायर कितना हो गया, 144 एंड दैट विल बी एक्स वाई। ठीक, एक्स वाई का वैल्यू ये आ गया। अब बात करते हैं, अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, आप एम जी एम का कॉन्सेप्ट लें, उसमें क्या अपन समझते हैं, जो ए एम जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, तो एक्स वाई के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं। ओके, तो एक्स प्लस वाई बाई टू, दिस इज कॉल्ड ए एम ऑफ एक्स वाई। ओके, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ऑफ एक्स वाई मीन्स रूट ऑफ एक्स वाई। इससे अपने को क्या पता चला, x प्लस वाई बाई टू
इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई का वैल्यू अपन जानते हैं 144, सो इट बिकम्स 12. नाउ एक्स प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 24. ओके, नाउ अब अपने को इस तरह से कंसीडर करने हैं जो इस दोनों का सम तो 24 या 24 से ज्यादा हो, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका जब हम रूट ले तो वो भी क्या आना चाहिए, इंटीजर. अब देखो अगर एक्स वाई हम ले ऐसे ले जो 16 प्लस 8 ले ले, 20 प्लस 4 ले ले, 15 प्लस 9 ले ले, ठीक है, जैसे 15 ले लिए ये, 9 ले लिए, तो आप इसको स्क्वायर करके सम करो, उसका रूट निकालो. तो इसके किसी भी पॉसिबल केस नहीं है ये, है ना, किसी भी केस में जैसे 16 इसका वैल्यू ले लिया, इसका वैल्यू 8 ले लिया, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो सम करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब इस दोनों केस में ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता है. इसलिए अब 24 से अपन आगे बढ़ेंगे, तो x प्लस वाई का वैल्यू अगर हम 25 लेते हैं, ओके, और इस 25 को दो पार्ट में, एक तो 16 और दूसरा 9 ले लेते हैं, ओके. तो अगर हम सोच के देखो, ये 16 लिया और ये 9, तो 16 का स्क्वायर देखो 16 और 8 का था, क्योंकि 16 और 12 तो दे देता, लेकिन 16 ये 12 एंड 8 ये नहीं देता, ठीक है. तो 12 और 16 की बात करें तो वो कितना हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, दैट इज इक्वल टू 400. तो इसका मतलब ये 20 आ जाएगा, ओके. अब ये 12 है, ये 9 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, सो ये 5 8 4 12 112 225 का रूट अपन जानते हैं क्या होता है 15. अब इस कंडीशन में आप देख रहे हो सब के सब इंटीजर आपको दिख रहे हैं. अब पूछ कह रहा है आपसे द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो 16 प्लस 9 ये तो 25 हो ही गया, और ये 20 ऑलरेडी गिवन है, अभी इससे निकालें, और ये 15, तो ये कितना आया 5 5 10, ठीक है, एंड 2 2 4 1 5 1 6. तो अपने को निकालना वैसे क्या था, लेट द लेंथ ऑफ एलडी, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एसी. अच्छा, एसी का मिनिमम पॉसिबल लेंथ वो तो कितना हो गया आपका 25, ठीक है, हो गया डियर, ठीक है, थैंक यू.